के आसार हैं तारा सिंह जी। बैकअप की तैयारी करना चाहता हूँ। गदर 3 का ऐलान कर दिया है सनी देओल ने और वीडियो वायरल होते ही हम जैसे फैंस उछल पड़े हैं। गदर 2 से सनी देओल का ठंडा पड़ा करियर एक बार फिर से गर्म हो गया है और लोग खबरों में सनी देओल को लेकर बातें करने लगे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि गदर 2 रिलीज होकर इतनी धमाकेदार कमाई करेगी कि सनी देओल के करियर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन जाएगी। गदर की रिलीज के बाद कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि गदर 2 भी आएगी, क्योंकि कहानी के साथ इंसाफ हो पाना मुश्किल था। लेकिन सनी देओल अब मीडिया के सामने गदर 3 का ऐलान कर चुके हैं और इसका वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। सनी देओल एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए और इस दौरान किसी ने पूछा, सर गदर 3? तो सनी देओल ने जवाब दिया, वो भी आएगी। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल हो गया और लोग कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा, नहीं बस इतना काफी है। एक का कहना था, पहले गदर 2 तो देखने दो। एक का कहना था, गदर 2 ही हमें 22 साल लगे देखने और 3 की बात कर रहे हो आप लोग। इस तरह के ढेरों कमेंट्स चर्चा में हैं। गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अक्षय कुमार की OMG 2 के साथ क्लैश हुई थी। यदि फिल्म सोलो रिलीज हुई होती तो शायद 4 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती। खैर, फिल्म ने अपने 5वें दिन 200 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी। यही सनी देओल के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो चुकी है। फिल्म ने अपने 7वें दिन 23.28 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 284.63 करोड़ तक पहुंच चुका था। अनिल शर्मा निर्देशित इस फिल्म ने पठान के बाद साल का दूसरा सबसे बड़ा वीकेंड हासिल किया है। गदर 2 का कुल कलेक्शन 700 करोड़ का है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि गदर 3 1000 करोड़ से तक की ज्यादा कलेक्शन करेगी। गदर 3 की कहानी क्या होगी? गदर ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। ऐसे ही एक इंटरव्यू में उत्कर्ष ने कहा कि उनके मुताबिक सनी देओल दुनिया के आखिरी एक्शन हीरो है। वो इस बाबत कहते हैं, सनी सर इस दुनिया के आखिरी एक्शन हीरो है जो रॉ एक्शन भी पूरे कन्विक्शन के साथ करते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं। हॉलीवुड में ऐसे हीरो होते थे जैसे सिल्वेस्टर सलोन, आर्नल्ड और ब्रूस विलिस, मगर अब उनके पास भी ऐसे एक्शन स्टार्स नहीं है। उनके पास से अगर उनके सुपर हीरो वाले कॉस्ट्यूम ले लें तो एक भी ऐसा हीरो नहीं है जो ऐसा एक्शन कर सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा सुपरस्टार है जो एक्शन में तो बेस्ट है ही, उसे ये भी पता है कि इसमें इमोशन कैसे जोड़ना है। डायलॉग डिलीवरी पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। गदर 2 ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, इसलिए अब सनी देओल स्टारर इस फिल्म की तीसरी किश्त को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अब तक मेकर्स ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। अब अमीषा पटेल ने गदर 3 को लेकर कुछ बातें की हैं। अमीषा गदर फ्रेंचाइजी में सकीना का किरदार निभाती हैं। गदर 2 में कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें सकीना के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। अमीषा फिल्म के फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत नजर आती हैं, मगर सेकेंड हाफ से तो गायब ही हैं। ये बात अमीषा को भी खल गई है। उनका कहना है कि अगर गदर 3 में उनका रोल नहीं बढ़ा गया तो वो फिल्म में काम नहीं करेंगी। अमीषा पटेल ने बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में कहा कि उनके फैंस गदर 2 में उनके रोल से संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम कम था। अमीषा इस बाबत कहती है, फैंस की तमन्ना पूरी नहीं हुई है, वो तारा और सकीना को साथ में और देखना चाहते हैं। इस बार हमें एक्टर होने के नाते निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ा, इसलिए तारा और सकीना को पीछे रखा गया क्योंकि हम अलग तरह की फिल्म बना रहे थे। सकीना दोबारा पाकिस्तान में जाकर पकड़ी नहीं जा सकती, ना ही तारा उसे पाकिस्तान ले जाकर किसी खतरे में डाल सकता है। ये जानते हुए कि वो अशरफ अली की बेटी है, इसलिए फिल्म गदर 2 का फर्स्ट हाफ मेरा था और सेकेंड हाफ सनी का। हमने कहा कि वरिष्ठ एक्टर्स होने के नाते हमें इससे कोई एतराज नहीं है। अमीषा ने यह भी कहा कि वो ये त्याग बार बार नहीं कर पाएंगी। अगर गदर 3 में उनका रोल बेहतर नहीं किया जाता तो ये फिल्म रिजेक्ट कर देंगी। वो अपनी बातचीत में आगे जोड़ती है, मैं नरेशन के टाइम ही अपनी बात क्लियर कर दूंगी, मगर किसी वजह से अगर फिल्म में तारा सकीना के सीन्स कम हुए तो मैं वो फिल्म रिजेक्ट कर दूंगी। मैं करूंगी ही नहीं, मैं अपने फैंस को निराश नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मेरे फैंस को इस बार लगा कि कुछ कम है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमें उन्हें वो दे जो वो देखना चाहते हैं। आखिरकार वो लोग तारा और सकीना के लिए ही तो सिनेमा घरों में आते हैं। तारा और सकीना के साथ उनका प्यार है, जुड़ाव है। आप केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो के बगैर टाइटैनिक नहीं बना सकते। इसी वजह से NRI ऑडियंस ने पार्ट 2 को पहले पार्ट की तरह नहीं देखा। अब गदर और गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने जून को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो गदर 3 में पाकिस्तान वाला एंगल नहीं रखेंगे,
उन्होंने कहा तीसरे पार्ट में तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा, हम हमारे पड़ोसी देश को नीचा नहीं दिखाना चाहते। ये महज एक संयोग है कि अब तक आई दोनों गदर में पाकिस्तान का एंगल है, लेकिन तीसरे पार्ट में ऐसा नहीं होगा। हम पाकिस्तान को सक्सेस का फॉर्मूला नहीं बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग हमें एंटी पाकिस्तान समझे, क्योंकि हम नहीं है। कुछ ऐसी होगी तीसरे पार्ट की स्टारकास्ट। वही एक अन्य इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने बताया था कि वो गदर 3 में सेम स्टार कास्ट को कास्ट करेंगे। उन्होंने कहा था गदर 3 को हम गदर और गदर 2 दोनों से ज्यादा बड़े लेवल पर बनाएंगे। पहले और दूसरे पार्ट की ही तरह तीसरे पार्ट में भी सनी देओल ही रहेंगे। ये हो सकता है कि तीसरे पार्ट में ए लिस्ट एक्टर या एक्ट्रेस का कैमियो हो, लेकिन स्टार कास्ट सेम रहेगी। तीसरे पार्ट में हम सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस सीन के लिए और गदर 3 के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज। ऑडियंस को रखा ध्यान में, बजट में की बढ़ोतरी, अनिल शर्मा का नया प्लान, कहानी जाए भाड़ में, बस नाम और पैसा हाथ में आना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी अब गदर की टीम ने अपना ली है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ साल 2001 में आई गदर की कहानी ने लोगों के दिलों पर राज किया और लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे, वहीं गदर 2 की कहानी को सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया था। अभी भी इनका पेट नहीं भरा तो गदर 3 के बारे में कथा कंटिन्यू लिखकर जनता को हिंट दे दिया। डायरेक्टर ने गदर 2 की कहानी को जिस हिसाब से बताया था ना, उस हिसाब से पर्दे पर दिखाने में वो कहीं ना कहीं असफल रहे। लेकिन अब गदर 3 की कहानी को डायरेक्ट वॉर से रिलेटेड बता रहे हैं। अब आखिर कब तक लोगों को वही पुरानी घिसी पिटी प्यार वाली कथा देखने को मिले और पैसा लूटा जाए। अब डायरेक्टर अनिल शर्मा ना समझ चुके हैं, प्यार छोड़कर जंग की ओर कदम बढ़ाना जरूरी हो चुका है, इसलिए गदर 2 में तारा सिंह का बेटा आर्मी ऑफिसर बन गया है और गदर 3 की कहानी में अनिल शर्मा आर्मी ऑफिसर की लड़ाई को दिखाने वाले हैं। आज के समय में एक्स हो या नेक्स्ट, सभी मोशंस के साथ खेल लाना अच्छे से जानते हैं। ऐसे में अनिल शर्मा भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। अनिल शर्मा ने भी बहती गंगा में हाथ धोए हुए हैं, ऑडियंस के इमोशंस के साथ अच्छे से खेलने की स्ट्रैटेजी सीख ली है, इसलिए गदर की कहानी में कुछ ना मिले तो उनके पास ना सबसे अच्छा मसाला है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो है ही, दोनों में प्यार दिखाओ या लड़ाई, अनिल शर्मा की जेब अच्छे से भर जाती है। 100 करोड़ के छोटे से बजट में तैयार हुई गदर ने बॉक्स ऑफिस पर ना 4 करोड़ 50 लाख से ऊपर की कमाई की है। ऐसे में अनिल शर्मा फूल नहीं समा रहे और अब गदर 3 के लिए अनिल शर्मा ने बजट को 100 करोड़ से बढ़ा कर ना 500 करोड़ कर दिया है। गदर 2 ने 17 दिन के अंदर अंदर कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एडवांस बुकिंग में तो गदर 2 ने 5.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। लगभग 2,30,000 से ज्यादा टिकट अब तक गदर 2 के बिक चुके हैं, जो गदर 2 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जनता द्वारा गदर 2 को इतना सारा प्यार देने के बाद अब डायरेक्टर अनिल शर्मा और सनी देओल उत्कर्ष शर्मा सभी गदर 3 को बनाने में जुड़ चुके हैं। ऐसे में सिमरत कौर भी आजकल उत्कर्ष शर्मा, अनिल शर्मा और सनी देओल के साथ दिखाई दे रही है। इस समय अगर कोई सबसे चर्चित निर्देशक बना हुआ है तो वो है हमारे अनिल शर्मा। गदर 3 को जल्द से जल्द शुरू करने का दबाव जबरदस्त और काफी आकर्षक है, लेकिन अनिल का कहना है कि जब तक कहानी सच्ची नहीं वो गदर नहीं। जाहिर तौर पर अनिल शर्मा की निर्देशन फीस करोड़ों में एक नंबर के अमाउंट से 2 अंकों तक पहुंच गई है, जिसमें पठान के बाद वेतन सिद्धार्थ आनंद के बराबर हो गया है। लेकिन अनिल को कोई आपत्ति नहीं है, गदर 3 में जल्दबाजी करने के बजाय निर्देशक इंतजार करना पसंद करेंगे। निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर भी अतीत से सनी देओल की देशभक्ति प्रोजेक्ट के लिए फिक्शनल सीक्वल की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सनी चुप है, लेकिन उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अचानक उनकी किस मूवी का सीक्वल आ जाए। उनका इन फ्लाई बाई नाइट प्रोजेक्ट में से किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं चाहते कि उनकी पहचान बॉलीवुड में पाकिस्तान को कोसने वाले चेहरे के रूप में हो। धर्म जी और सनी दोनों का पाकिस्तान में बहुत बड़ा फैन बेस है, जो सनी की फिल्मों की छवि के कारण खराब हो रहा है। गदर निर्देशक अनिल शर्मा पर फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन निर्देशक अनिल शर्मा इस विषय पर स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं। जब तक कहानी पक्की नहीं, गदर 3 सच्ची नहीं, जब तक हमारे पास कोई कारण नहीं होगा, हम गदर 3 शुरू नहीं करेंगे। और एक और गदर मूवी शुरू करने का एकमात्र कारण ये होगा कि हमारे पास बताने के लिए एक और इंटरेस्टिंग कहानी होगी।
1947 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें लड़ी, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी। मुसीबत का कारण कैसी हो सकती है गदर 2 की कहानी? क्या सकीना को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलेगा फिल्म में? पर वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक करें और दोस्तों इस जॉब अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनी देओल की अपकमिंग गदर 2 को लेकर मीडिया, सोशल मीडिया और फैंस के बीच में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है और इस फिल्म से जुड़ी हर खबर का फैंस को भी सब्री से इंतजार रहता है। करीब 20 सालों के बाद गदर फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और फिल्म की शूटिंग भी लगभग 90% हो गई है। कुछ सीन्स बचे हैं जो सनी के अमेरिका से वापस आने के बाद कर लिए जाएंगे, लेकिन जब से गदर 2 की अनाउंसमेंट हुई है ये फिल्म विवादों में ही घिरा पड़ा है। इसकी कहानी को लेकर विवाद हुआ और फिर इस फिल्म पर मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगा दिया गया, जिस वजह से इस फिल्म को बैन करने की भी कोशिश की जा रही है। और अब इस फिल्म की कहानी से पर्दा उठ चुका है। अकॉर्डिंग टू द लीडिंग वेबसाइट, गदर 2 की कहानी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड होने वाली है, यानी कि फिर एक बार इंडिया पाकिस्तान के संघर्ष पर मूवी बेस्ड होगी, जिसमें उत्कर्ष शर्मा इंडियन आर्मी ऑफिसर के कैरेक्टर में नजर आएंगे, जो वॉर के दौरान घायल होकर पाकिस्तानी आर्मी के हाथ लग जाएगा, जहां उन्हें फिल्म का विलन काफी टॉर्चर करेगा, जिसका कैरेक्टर निभाएंगे टाइगर। फिल्म एक विलन सज्जद दिलफरोज यानी कि अबू उस्मान। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अमरीश पुरी सर ने जिस तरह से अपना कैरेक्टर प्ले किया था उनको रिप्लेस करना नामुमकिन है, लेकिन अब वह हमारे बीच नहीं है और बिना विलन का हीरो का भी कोई इतना इम्पैक्ट नहीं रहता। और सज्जद दिलफरोज विलन के लिए एक परफेक्ट चॉइस है और एक दमदार विलन भी है, जिससे इस फिल्म में काफ़ी मज़ेदार और गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जैसा कि गदर 2 ज़्यादातर तारा सिंह और उसके बेटे पर बेस्ड होगी, इसलिए सकीना का रोल फिल्म में काफ़ी कम रहेगा। वह हमें बहुत कम स्क्रीन पर नज़र आएंगे, लेकिन उनका कैरेक्टर भी फिल्म के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना तारा सिंह और उनके बेटे का कैरेक्टर है। गदर 2 में इस बार बाप और बेटे का इमोशनल एंगल दिखाया जाएगा, यानी कि इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ इमोशनल पार्ट्स भी दिखाए जाएंगे काफी अच्छे तरीके से। गदर 2 के अलावा सनी देओल साउथ की एक बड़ी रीमेक में भी दिखाई देने वाले हैं, जिसका नाम है जोसेफ। इसके साथ ही वह एक क्राइम थ्रिलर मूवी में भी नजर आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सज्जद दिलफरोज फिल्म के अंदर अमरीश पुरी सर की कमी को फुलफिल कर पाएंगे? क्यों गदर 2 एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी? लोगों ने शुरू कर दी गदर 2 के वेलकम की तैयारी। शाहरुख खान ने लिया सनी देओल से पंगा।
पर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात बताना जरूरी है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक करें और दोस्तों इस जॉब अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो दोस्तों इस वक्त पूरे भारत देश में एक ही फिल्म की चर्चा हो रही है और वह है गदर 2। अभी सारी इंडियन ऑडियंस बॉलीवुड की हर फिल्म को बॉयकॉट कर रही है, लेकिन गदर 2 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लोग इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हैं, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि अभी से लोगों ने फिल्म के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हाँ, बहुत सारे गदर के फैन तारा सिंह के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर उसके ऊपर फूलों की माला चढ़ाकर उनकी पूजा करते हुए दिख रहे हैं और उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। और अब लोग ये कह रहे हैं कि हम गदर 2 को देखने और उसे एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड को छोड़कर साउथ सिनेमा को पसंद करने वाली ऑडियंस भी इस मूवी का इंतजार कर रही है, क्योंकि लोगों का मानना है बॉलीवुड हिंदू धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है और उनकी इंसल्ट करता है, और वही साउथ इंडियन कल्चर को हमेशा अपनी मूवीज में दिखाता है, उसे यूज इम्पोर्टेंस देता है। इसलिए लोग अब साउथ मूवीज ज्यादा देख रहे हैं, पर इन हालातों के बावजूद गदर 2 का ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। सनी देओल एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो हमेशा से देशभक्ति से रिलेटेड फिल्में बनाते हैं, चाहे वो बॉर्डर हो, माँ तुझे सलाम हो या गदर। इसलिए सनी को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और ये एक मेन रीजन होने वाला है गदर 2 के हिट होने का, क्योंकि आजकल ऑडियंस उन फिल्मों को ज्यादा पसंद कर रही है जिसमें देशभक्ति की बात हो, इंडियन कल्चर को दिखाया जाए और इंडियन हिस्ट्री को बताया जाए। ऐसी फिल्मों को ऑडियंस काफी ज्यादा देखना पसंद कर रही है और गदर 2 बॉलीवुड की वह फिल्म है जो इस सिनेरियो में बिल्कुल फिट बैठ रही है, और गदर फिल्म के पास तो इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड भी है। गदर मूवी ने 133 करोड़ की कमाई की थी, वो भी तब जब एक टिकट की कीमत 10 से 15 रुपए के बीच होती थी। अगर आज की डेट में इस कन्वर्ट करें तो टोटल होता है 750 प्लस करोड़। बॉलीवुड में इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच में देओल फैमिली की हाई स्टार है जो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं है। पूरे देओल परिवार की इमेज एकदम साफ सुथरी है और लोग देओल फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए भी गदर 2 के हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ये तो बात हो गई गदर 2 को हिट करवाने वाले रीजंस की। अब आपको बताते हैं कि कैसे शाहरुख खान ने सनी देओल से पंगा लेकर गलती कर दी। जैसा कि आपको पता होगा कि एक टाइम ऐसा था जब सनी देओल और शाहरुख खान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे, क्योंकि डर फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान ने जो चालाकी की थी उसके चलते सनी काफी बेबस नजर आए थे, जिसके बाद से सनी ने शाहरुख के साथ कोई भी मूवी करने से मना कर दिया था। डर फिल्म को आज रिलीज हुए 29 साल से भी ज्यादा हो गया है, पर सनी देओल का गुस्सा अभी भी वही है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शाहरुख खान ने फिर सनी से पंगा ले लिया है, और वो भी अपनी अपकमिंग मूवी पठान के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहरुख खान की पठान 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने जा रही है, जिसमें वो दमदार कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। लेकिन सनी देओल की गदर 2 को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक सनी देओल की गदर 2 26 जनवरी को रिलीज की जाएगी, यानी कि पठान के रिलीज होने के नेक्स्ट डे, जिससे हमें ये दोनों फिल्मों के बीच में क्लैश देखने को मिलेगा। और क्योंकि गदर 2 इंडिया पाकिस्तान पर बेस्ड है और देशभक्ति से जुड़ी फिल्म है, एंड 26 जनवरी को पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ेगी और उसके ऊपर से गदर का ब्रांड शाहरुख खान की पठान को ले डूबेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अभी लोग चाहे बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की फिल्मों को बॉयकॉट कर रहे हैं
और शाहरुख खान भी अपने विवादों भरे बयानों की वजह से कॉन्ट्रोवर्सीज में आते रहते हैं। वहीं सनी देओल की गदर 2 को ऑडियंस का फुल सपोर्ट है, लिहाजा पठान मूवी पर भी बॉयकॉट होने का खतरा मंडरा रहा है। और अगर नहीं भी हुआ तो गदर के सामने पठान का टिकना तो नामुमकिन ही है। इसीलिए अगर ये क्लैश होता है तो इसमें नुकसान शाहरुख खान का ही होगा। आपका इस बारे में क्या मानना है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर जरूर लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही दोस्तों, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। किन मुसीबतों से घिरा है जीते, क्या होगा जीते का अगला प्लान, कौन भाग जाएगा मैदान को छोड़कर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राल स्टूडियो, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। जैसा कि कल के वीडियो में आप सभी ने देखा था कि जीते का जो प्लान होता है ना, वो आधा सक्सेसफुल होता है और आधा अनसक्सेसफुल हो जाता है, और काफ़ी लोग उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। जीते के ऊपर इस समय कई गुना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। एक तरफ वो अपनी माँ को बचाना चाहता है, दूसरी तरफ वो लोगों को बचाना चाहता है, तीसरी तरफ वो मिलिट्री ऑफिसर की बातों को टाल नहीं सकता है, और चौथी तरफ वो आतंकवादियों से माफ़ी भी नहीं मांगना चाहता है। इस पल में वो अपने आप को इन सारी दिक्कतों का गुनहगार मान लेता है। इसी कश्मकश में पड़ा जीते अपना एक नया प्लान बनाएगा, जिसमें वो सिर्फ अपने साथी यानी कि अपने पिताजी को अपने प्लान में शामिल करेगा। जीते अपने मिलिट्री ऑफिस से सरकारी स्कूल तक एक सुरंग खोदनी शुरू कर देगा, जिसका सीधा रास्ता स्कूल के बड़े मैदान में जाकर खुलेगा। सुरंग को खोदने में जीते को लगभग 4 से 5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि सुरंग जो होती है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है, इतनी जल्दी खुद जाती है। सुरंग खोदने के बाद सबसे पहले उस सुरंग में वो अपने पिताजी यानी तारा सिंह को भेज देता है। तारा सिंह तो पहले से आक्रोश से भरे होते हैं, क्योंकि उनकी सकीना स्कूल में फंसी हुई है, और एकदम से उस सुरंग में छलांग मार देते हैं। सुरंग की मदद से तारा सिंह स्कूल के मैदान में चले तो जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही उनके मन में एक ख्याल आ जाता है कि वो किस तरह से इतने सारे आतंकवादियों को मारेंगे। लेकिन अगले ही पल उनका बेटा उनके पीछे पीछे आ जाता है। अभी खेल दोनों बाप बेटे का हो जाता है, जहां बेटा अपने माँ बाप और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए भी तैयार हो जाता है, और वहीं तारा सिंह अपने बेटे और अपनी पत्नी के लिए जान देने से पीछे नहीं हटते हैं। दोनों एक साथ ही अपने दुश्मनों पर हावी हो जाते हैं और उन पर धावा बोल देते हैं। पिस्तौल से और ना तोप से किसी चीज से डरते नहीं है, यहाँ तक कि तारा सिंह तो इतना जोश में आ जाते हैं कि वो एक तोप को उखाड़ कर फेंक देते हैं, जिससे दुश्मनों के बीच डर का माहौल पैदा हो जाता है। ये सारी मारकाट देख कर दुश्मनों का लीडर मैदान को छोड़कर भाग जाता है, जिसके पीछे तारा सिंह भी चले जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। भागते भागते दोनों पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीते अपने पूरे जोश में दुश्मनों का बुरा हाल कर देता है और उनको इतना मारता है कि उनमें चीखने की भी हिम्मत नहीं रहती। दुश्मन और जीते की जंग में स्कूल के मासूम बच्चे और टीचर भी शामिल हो जाते हैं और उनके ऊपर अपने अपने हिसाब से हमला करने लग जाते हैं। दुश्मन हार मान जाते हैं और जीते सबको बचा कर वापस आ जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या तारा सिंह पकड़ पाएंगे दुश्मनों की लीडर को? होगा बाकी एक्टर्स का नुकसान, क्या जीते कर पाएंगे पापा को कम्पीट, क्या कमी है आज के चैलेंज में? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आप सब तो जानते ही हैं कि बहुत जल्द अनिल शर्मा की फिल्म गदर 2 बड़े पर्दे पर आने वाली है। गदर 2 में हमें दिखाई देगी स्टोरी जीते की, जीते जो सकीना और तारा सिंह के बेटे हैं उनकी स्टोरी हमें आगे कंटिन्यू होती नजर आएगी। फिल्म में जीते का किरदार निभाते नजर आएंगे उत्कर्ष शर्मा। आपको बता दें, उत्कर्ष शर्मा का ये बॉलीवुड में पहला बड़ा प्रोजेक्ट है और इस वजह से सब लोग फिल्म को लेकर डाउट में हैं कि क्या फिल्म अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। अब ये तो भाई रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसके हिसाब से आपको बता दें ऑडियंस का ये मानना है कि आजकल का टैलेंट कुछ बहुत अच्छा नहीं है। आजकल के जो न्यू एक्टर्स हैं, जो न्यू एक्ट्रेसेस हैं, वो पुराने एक्टर्स एक्ट्रेसेस का लेवल मैच नहीं कर पा रहे हैं। जो लेवल राजेश खन्ना, देवानंद या फिर धर्मेंद्र पाजी ने सेट किया था, उस लेवल को आज के एक्टर्स मैच बिल्कुल नहीं कर पा रहे और आज के एक्टर्स में वो बात ही नहीं है। हालांकि अगर हम ये देखें तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक मछली के गंदा होने से पूरा तालाब गंदा नहीं होता जनाब।
जी हाँ दोस्तों, ये भी बात सच ही है। अब कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे विद्युत जामवाल। आपको बता दें, विद्युत जामवाल या फिर प्राजक्ता कोहली यानी मोस्टली सेम अपने प्रोजेक्ट्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ऑडियंस को काफी इम्प्रेस भी कर रहे हैं। अब जहाँ कुछ लोगों की वजह से उनकी भी इमेज इतनी खराब हो रही है, वहीं देखना दिलचस्प होगा कि गदर 2 में उत्कर्ष शर्मा की परफॉर्मेंस को कैसे जज किया जाता है। आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिल्म फेयर ने तय किया फिल्म की सक्सेस को, और क्या अमीषा का फिल्म फेयर अवार्ड बना फिल्म के लिए मोटिवेशन? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पॉलीगैट स्टूडियोज। एक एक्टर के करियर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका टैलेंट। अरे भाई, एक टैलेंटेड एक्टर हर दौर में और हर मौके का इस्तेमाल करके अपने टैलेंट को सबके सामने लेकर आ सकता है। लेकिन कई टैलेंटेड एक्टर जो एक समय हमारे बॉलीवुड पर राज कर रहे थे, आजकल थोड़े फीके पड़े हुए हैं। लेकिन जब उनको मिलता है एक मौका तो वो अपने टैलेंट को दिखाकर फिर से आ जाते हैं टॉप पर। ऐसा हमने बहुत बार देखा है जब कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की सेकेंड इनिंग्स उनकी पहली इनिंग से भी ज्यादा लंबी चलती है और ज्यादा बेहतरीन भी होती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप टैलेंटेड हैं और आपको अपने आप को बड़े पर्दे पे सबके सामने बेहतरीन तरीके से पेश करना आता है तो आपके इस टैलेंट को जनता पहचान लेती है। और लगता है कि यही मौका आ चुका है अब अमीषा पटेल के लिए भी। जी हाँ, गदर फिल्म में अमीषा पटेल ने न केवल देश भर की ऑडियंस का दिल जीता बल्कि फिल्म फेयर का अवार्ड भी जीता था। 500 लड़कियों में से जब अमीषा पटेल को चुना गया तो उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से प्रूव कर दिया कि वो उन 500 लड़कियों में से सबसे बेहतरीन है। चाहे वो इमोशनल सीन हो या फिर कोई और सीन, अमीषा पटेल ने सबको बेहतरीन अदा के साथ पेश किया। अब जहाँ गदर फिल्म अपनी सीक्वल के साथ वापसी कर रही है, अमीषा पटेल एक बार फिर से बड़े पर्दे पे आने के लिए तैयार है। सनी देओल और उनकी कई सारी फोटोज लीक भी हो चुकी है जो कि गदर 2 के शूटिंग में से ही है। फैंस को अब उम्मीद है कि अमीषा पटेल की सेकेंड इनिंग्स को करेगा शुरू और पहले जैसे टॉप की एक्ट्रेसेस में शामिल कर देगा उनका नाम। लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या एक बार फिर से अमीषा पटेल जीतेगी फिल्म फेयर का अवार्ड। क्या ऑडियंस के दिलों को जीतना नहीं है अमीषा पटेल के लिए काफी और फिल्म फेयर के बिना नहीं जाएंगी वो गदर 2 फिल्म के साथ? खैर, इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं इस फील्ड में हमारे साथ तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। आखिर कौन देगा गदर 2 के गाने? किसकी वजह से हुई गदर एक ब्लॉकबस्टर हिट? और अनिल शर्मा ने क्या कहा गदर के सीक्वल को लेकर? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। मुसाफिर जाने वाले, फिर न आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले। इस गाने को सुनकर कुछ याद आया? जी, गदर का इमोशनल सीन। इसी इमोशन को बरकरार रखते हुए फिल्म के 20 साल पूरे होने के एक खास मौके पर फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने कहा, ये फिल्म मेरे लिए भगवान की ओर से दिया गया तोहफा है। हमने ऑडियंस को एक अच्छी लव स्टोरी देने के मकसद से गदर बनाई थी। जब जी स्टूडियो के साथ हमने ये शुरू किया था तो हमें अंदाजा था कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने इस तरह के रिस्पांस की उम्मीद नहीं की थी। अनिल शर्मा ने आगे कहा, सनी देओल और अमीषा पटेल की परफॉर्मेंस ने फिल्म को शानदार बना दिया। शक्तिमान तलवार के विजन और उत्तम सिंह के संगीत के बिना आज ये फिल्म इस ऊंचाई पर नहीं होती। फिल्म के 20 साल सेलिब्रेट करना इमोशनल पल है। वहीं दोस्तों, अनिल शर्मा ने ये भी कहा कि मैं आज बिना किसी बदलाव के फिल्म बना सकता हूं और ये फिल्म भी बड़ी सफलता होगी। बता दें कि इस फिल्म के सीक्वल का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो अब शायद 2 दशकों बाद बनने जा रही है। गदर के मेकर्स इस समय फिल्म के सीक्वल को ध्यान में रखकर प्लॉट और स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। फिल्म में लीड को लेकर भी अभी बातचीत हो रही है क्योंकि सनी को लीड में लेना इस वक्त के लिए ठीक नहीं होगा। जमाने के हिसाब से स्क्रिप्ट और कास्ट दोनों को बदलना लाजमी है।
डायरेक्टर अनिल शर्मा ने फिल्म के सीक्वल बनाने को लेकर कहा है कि गदर के सीक्वल बनाने को लेकर सही समय पर मैं ही इसकी आधिकारिक घोषणा करूंगा। फिलहाल के लिए चीजें अभी शुरुआती स्टेज में है। अनिल शर्मा की इस बात से ये तो साफ हो गया है कि गदर के सीक्वल पर काम चल रहा है। फिल्म गदर एक प्रेम कथा की बात करें तो साल 2001 की ये सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसने सनी देओल के करियर को उछाल तो दिया ही था, साथ ही अमीषा पटेल को इंडस्ट्री में स्थापित करने में अहम भूमिका भी निभाई थी। अमीषा पटेल की ये दूसरी ही फिल्म थी और उनके सकीना के किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया था। ये फिल्म उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसके म्यूजिक को उत्तम सिंह ने दिया था और शायद इसका म्यूजिक नहीं होता तो गदर इतनी सुपरहिट नहीं होती। तो दोस्तों गदर 2 में भी उत्तम सिंह और उनकी बेटी प्रीति उत्तम सिंह म्यूजिक देंगे। म्यूजिक को थोड़ा ओल्ड न्यू टच दिया जाएगा और हो सकता है कि गदर से ही कुछ गानों को लेकर उनके रीमेक बनाए जाए, क्योंकि आजकल रीमेक्स का काफी ट्रेंड चल रहा है और हर कोई ट्रेंड में रहना पसंद करता है। और गदर के साथ तो ये होना लाजमी भी है क्योंकि गदर के गाने काफी हिट हुए थे। तो क्या आप एक बार फिर से गदर जैसे गानों को सुनने के लिए तैयार हैं? हमें जल्दी से अपनी राय कमेंट्स में बताइए। साथ ही आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। ईशा सनी की दिखेगी केमिस्ट्री, क्या पहले जैसी होगी उनकी केमिस्ट्री? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों कहते हैं ना कि जब भी आप किसी भी काम से कोई ब्रेक ले लेते हैं तो उसके बाद आपको उस ब्रेक से वापसी करना काफी मुश्किल सा हो जाता है। ऐसे एक्टर्स जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से काफी बड़ा ब्रेक ले लिया हो और उसके बाद वो अपना कमबैक करने की कोशिश करते हैं, वैसे एक्टर्स को कुछ इस दौर से गुजरना पड़ता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उनके लिए पहले जैसे हालत पैदा करना काफी मुश्किल हो जाता है। और वहां कम ही ऐसे एक्टर्स होते हैं जो अपने सेकेंड इनिंग्स में पहले ऐसा काम कर पाते हैं। हालांकि ये काफी मुश्किल है और काफी कम हमें देखने को मिलता है। आपको बता दें, कुछ ऐसा ही हुआ था एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ। रवीना टंडन जिन्होंने हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा ही बड़ा ब्रेक लिया और अब जाकर उस ब्रेक से वापसी कर पाई है। कुछ ऐसा ही हो रहा अमीषा पटेल और सनी देओल के साथ भी। जी हाँ, गदर फिल्म के साथ हमारे बड़े पर्दे पर शकीना और तारा सिंह का ये बेहतरीन कपल जब आया था तो वो एक आयनिक मोमेंट था। गदर फिल्म एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई और उसकी एक लौती वजह थी उनकी केमिस्ट्री। सनी देओल और अमीषा पटेल की इतनी बेहतरीन केमिस्ट्री ने इस फिल्म के अंदर जान डाल दी थी। जाहिर सी बात है कि गदर एक प्रेम कथा थी और इस प्रेम कथा को सनी देओल और अमीषा पटेल की बेहतरीन केमिस्ट्री ने ही हिट करवा दिया। जहां गदर फिल्म के सीक्वल की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये फिल्म जल्दी बड़े पर्दे पर दिखाई देगी, ये सवाल उठता है, क्या पहले जैसा होगा इन दोनों के बीच प्यार? क्या होगी इनकी केमिस्ट्री उतनी ही बेहतरीन जैसे हमने गदर फिल्म में देखी थी? जाहिर सी बात है कि इतने सालों बाद जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉन्डिंग पहले जैसी ना हो और एक साथ स्क्रीन शेयर करना काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो क्या ऐसा वाकई में होता है या फिर नहीं, ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा गदर 2 की रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक के लिए फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का आप भरपूर फायदा उठाइए। वेल दोस्तों, आपको ये बता दें, इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब यह फिल्म जब रिलीज होगी तो क्या धमाल होगा, इसके लिए तो हमें फिल्म के रिलीज का इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम तो भाई इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिसने क्या शेयर किया अपने सोशल मीडिया पेज पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के बारे में। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में बरकरार है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको कोई नहीं भूल सकता है। अब फिल्म में दोनों कलाकार की दमदार अदाकारी ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। अब गदर एक प्रेम कथा को अभी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस बीच फिल्म गदर के फैंस के लिए एक धमाकेदार गुड न्यूज आ रही है।
ये खबर सुनकर एक बार फिर 2001 की गदर एक प्रेम कथा की यादें फैंस के दिलों में ताजा हो जाएंगी। अब खबरों की माने तो फिल्म गदर का सीक्वल बनाया जा रहा है। निर्देशक अनिल शर्मा की इस प्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म गदर 2 ने लखनऊ में फिल्म की शूटिंग को ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया है। अब फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जो अब फाइनली पूरी हो चुकी है। अब फिल्म गदर 2 के सेट पर आ रही खबरों की बात करें तो फिल्म ने पार्ट 2 की लगभग 80% शूटिंग को पूरा कर लिया है। बता दें कि सनी देओल और अमीषा पटेल की स्टारर गदर 2 इस बार भी उसी जोश और एक नए तजुर्बे के साथ पर्दे पर रिलीज होगी और फिल्म की शूटिंग लखनऊ से जुड़े शहर बाराबंकी में स्थित जिला कारागार की में की गई है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक ने इस सीक्वल को शूट करने के लिए सरकार से अनुमति ली है। पहले ये शूटिंग 16 अप्रैल को शुरू होनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको टालकर 20 अप्रैल से शुरू किया गया। अब जिसके बाद अब जाकर फिल्म की शूटिंग फाइनली खत्म हो पाई है। आपको बता दें कि फिल्म में एक्ट्रेस सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीतने के लिए नजर आएंगी। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वही पुरानी तारा सिंह के लुक में अपनी तस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर की है, ताकि फैंस अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। अब इस तस्वीर के साथ कैप्शन देते हुए एक्टर ने लिखा कि केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही अद्भुत किरदारों के जीवन में वापस लाने का मौका मिलता है। अब 20 साल बाद एक बार फिर से पेश है तारा से। आगे उन्होंने लिखा कि फिल्म गदर 2 का पहला शेड्यूल पूरा करके बहुत ही अच्छा महसूस मैं कर रहा हूँ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की थी। अब तस्वीरों में जहां एक और सनी देओल तारा सिंह लुक में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अमीषा भी अपना वही पुराना लुक कैरी किया था उन्होंने। अब शेयर की गई तस्वीरों में दोनों कलाकार अपनी टीम के साथ ही हमें दिखाई दिए हैं। फिल्म गदर का सीक्वल गदर 2 इस साल के एंड तक थिएटर्स में दस्तक देगा। अब फिल्म के रिलीज का दर्शकों को और फैंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। अब उम्मीद है कि इस बार भी फिल्म अपना वही पुराना जादू बिखेरने में कामयाब हो और साथ ही इन दोनों की सुपरहिट जोड़ी को देखने के लिए हर कोई उतावला है। आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेल में की गई है फिल्म की शूटिंग, एक्टर्स ने क्या शेयर किया अपने सोशल मीडिया पेज पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के बारे में। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में बरकरार है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको कोई नहीं भूल सकता है। अब फिल्म में दोनों कलाकार की दमदार अदाकारी ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। अब गदर एक प्रेम कथा को भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस बीच फिल्म गदर के फैंस के लिए एक धमाकेदार गुड न्यूज आ रही है। ये खबर सुनकर एक बार फिर 2001 की गदर एक प्रेम कथा की यादें फैंस के दिलों में ताजा हो जाएंगी। अब खबरों की माने तो फिल्म गदर का सीक्वल बनाया जा रहा है। निर्देशक अनिल शर्मा की इस प्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म गदर 2 ने लखनऊ में फिल्म की शूटिंग को ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया है। अब फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जो अब फाइनली पूरी हो चुकी है। अब फिल्म गदर 2 के सेट पर आ रही खबरों की बात करें तो फिल्म ने पार्ट 2 की लगभग 80% शूटिंग को पूरा कर लिया है। बता दें कि सनी देओल और अमीषा पटेल की स्टारर गदर 2 इस बार भी उसी जोश और एक नए तजुर्बे के साथ पर्दे पर रिलीज होगी और फिल्म की शूटिंग लखनऊ से जुड़े शहर बाराबंकी में स्थित जिला कारागार की में की गई है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक ने इस सीक्वल को शूट करने के लिए सरकार से अनुमति ली है। पहले ये शूटिंग 16 अप्रैल को शुरू होनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको टालकर 20 अप्रैल से शुरू किया गया। अब जिसके बाद अब जाकर फिल्म की शूटिंग
फाइनली खत्म हो पाई है। आपको बता दें कि फिल्म में एक्ट्रेस सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीतने के लिए नजर आई। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वही पुरानी तारा सिंह के लुक में अपनी तस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर की है, ताकि फैंस अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। अब इस तस्वीर के साथ कैप्शन देते हुए एक्टर ने लिखा कि केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही अद्भुत किरदारों के जीवन में वापस लाने का मौका मिलता है। अब 20 साल बाद एक बार फिर से पेश है तारा सिंह। आगे उन्होंने लिखा कि फिल्म गदर 2 का पहला शेड्यूल पूरा करके बहुत ही अच्छा महसूस मैं कर रहा हूँ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की थी। अब तस्वीरों में जहां एक और सनी देओल तारा सिंह के लुक में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अमीषा भी अपना वही पुराना लुक कैरी किया था उन्होंने। अब शेयर की गई तस्वीरों में दोनों कलाकार अपनी टीम के साथ ही हमें दिखाई दिए हैं। फिल्म गदर का सीक्वल गदर 2 इस साल के एंड तक थिएटर्स में दस्तक देगा। अब फिल्म के रिलीज का दर्शकों को और फैंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। अब उम्मीद है कि इस बार भी फिल्म अपना वही पुराना जादू बिखेरने में कामयाब हो और साथ ही इन दोनों की सुपरहिट जोड़ी को देखने के लिए हर कोई उतावला है। ट्रिनिटी एरर करेंगे काम खराब, किस एरिया में ध्यान देना है जरूरी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं खबर लेकर आई हूँ फिल्म गदर 2 के बारे में। बहुत समय से जब गदर फिल्म के सीक्वल की बात चल ही रही है, तो सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या गदर फिल्म का सीक्वल एक रीमेक होने वाला है या फिर इसमें हम कहानी को आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं। जहाँ बात आती है पुरानी फिल्मों के सीक्वल की, चाहे वो कूली नंबर 1 हो या फिर जुड़वा 2, हमने हमेशा ये देखा है कि पुरानी फिल्मों के रीमेक से ही इसका सीक्वल बनाया जाता है और फैंस ऐसा देखना पसंद भी करते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक काफी बड़ा और मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि ना केवल ये मुश्किल काम है बल्कि साथ ही जब किसी पुरानी कहानी को बहुत समय बाद बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है तो उसमें बहुत सारी कंटिन्यूटी एरर्स भी आने लगती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जब कहानी के बीच में कुछ ऐसे प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जो कुछ कहानी के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर दे। जाहिर सी बात है कि गदर फिल्म जो इतने ज्यादा समय पहले आई थी, जब अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है, तो क्या इसमें पुरानी कहानी के हर उस पहलू को आगे बढ़ाया जा पाएगा उतने ही बेहतरीन तरीके से? शायद हाँ शायद ना। जब सारे एक्टर्स भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं और कहानी का हर एक मोड बदल चुका है, तो इन्हीं कंटिन्यूटी एरर्स को फैंस हमेशा नोटिस करते हैं और ये फिल्म के नेगेटिव पार्ट्स में से मानी जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब किसी फिल्म को बहुत समय से बनाया जा रहा होता है तो हर एक चीज का अच्छे से ख्याल रखा जाता है और लगता है कि गदर फिल्म के मेकर्स भी कुछ ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं। अगर वो गदर 2 में इन सभी कंटिन्यूटी एरर्स को ठीक कर पाते हैं और कहानी को एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो गदर 2 एक सुपरहिट फिल्म होने ही वाली है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा प्लॉट पॉइंट हो जो पहले ही कहानी से मैच ना करता हो, तो ये फिल्म फैंस के लिए और देश भर के ऑडियंस के लिए होने वाली है काफी निराशा की बात। लेकिन हम रख रहे हैं गदर 2 से बहुत ज्यादा उम्मीदें और कर रहे हैं इस फिल्म का बेताबी से इंतजार। लेकिन लगता है कि ये इंतजार चलेगा थोड़ा लंबा, क्योंकि गदर फिल्म के मेकर्स हैं इस फिल्म को परफेक्शन बनाने की होड़ में और इसके लिए हम हैं काफी एक्साइटेड। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। क्या हुआ जब गदर के सुपरस्टार को इनकार मिला? फिल्म सुपरहिट होते हुए भी किन कमियों से भरी थी? क्या गदर 2 भी होगी एक मेल ओरिएंटेड फिल्म? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। बॉलीवुड सुपरहिट गदर मूवी देने वाले एक्टर सनी देओल ने अपनी करियर में भी कई हिट फिल्म में काम किया है। उन्होंने सिर्फ गदर में ही नहीं बल्कि रियल में भी कभी हिंदू अन्य धर्मों में कभी भी भेदभाव नहीं की है। लेकिन हाँ, रियल में उनके साथ जरूर भेदभाव हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या रहा भेदभाव से, तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बता दें कि सनी देओल कई बार क्रेडिट ना मिलने पर भी खुलकर बात करते
करते रहे हैं। सनी देओल कई इंटरव्यू में स्वीकार भी कर चुके हैं कि उन्हें अपनी ब्रांडिंग करनी नहीं आती है, जबकि अन्य फिल्मी सितारे इसमें आगे निकल जाते हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी आया था जब सनी श्रीदेवी के साथ काम करना चाहते थे। सनी ने कहा था, एक बार मैंने अपनी निगाह श्रीदेवी पर ही टिका दी थी और उनसे कहा कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालांकि वह भी मेरे बातों में समझ गई, लेकिन फिर मैंने अपने एक साथ काम नहीं करने का फैसला किया। सनी देओल ने बताया कि श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय ने मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया था। मैंने फिल्म घायल के लिए श्रीदेवी के अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। मैं एक और फिल्म बना रहा था जिसके लिए मैंने ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। मैंने कई और बड़ी अभिनेत्रियों को अप्रोच किया, लेकिन वह मेरे साथ काम नहीं करना चाहती थी। शायद सभी ने उनके साथ काम करने के लिए इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो पुरुष प्रधान फिल्मों में काम करते थे। शायद यही सबसे बड़ी वजह थी कि फिल्म गदर ने अनिल शर्मा ने एक नई एक्ट्रेस को लाना पड़ा था। हालांकि अमीषा कहो ना प्यार के इंडस्ट्री में डेब्यू कर चुकी थी, लेकिन फिर भी और सबके मुकाबले नहीं थी। हालांकि बाद में फिल्म घायल और गदर होने के सुपरहिट साबित हुई थी। वैसे गदर भी एक पुरुष प्रधान की फिल्म थी क्योंकि पूरी फिल्म तारा सिंह के किरदार और उसी की कहानी की ईद गिर्द घूमती नजर आई थी। तो अब क्या आप फिर से गदर 2 को देखना चाहेंगे पुरुष प्रधान फिल्म में, या अब की बार अनिल शर्मा जुड़ेंगे इसमें कोई नए विचार के साथ? वैसे हमारे हिसाब से तो कहानी वही अच्छी होगी जहां सबका साथ लेकर लोग चलेंगे। बेशक गदर एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म में सकीना ने एक एंड तक यह तक कुछ नहीं पूछा था कि वो क्या चाहती है। फिल्म के शुरुआत में उससे बिना पूछे किसी ने शादी कर ली और फिर उसे वापस से कोई नया जा गया। फिर उसकी दूसरी शादी पक्की हो गई और तारा को हर भाव के बड़े अच्छी तरह पर्दे पर उतारा गया। उम्मीद करते हैं कि गदर 2 भी एक नई अप्रोच के साथ आएगी, क्योंकि सकीना फिल्म की माँ का किरदार करने जा रही है और बेटे के लिए माँ की क्या मायने रखती है यह तो आप अच्छे से जानते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गदर का रियल हीरो, क्या गदर 2 भी हो सकती है किसी रियल लाइफ हीरो से इंस्पायर? रियल वर्सेस रियल, क्या है अंतर गदर की फिल्मी और सच्ची कहानी में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी शर्मा और आपका स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज की हमारी इस नई वीडियो पे। तो दोस्तों 2021 में अनाउंस किए गए सीक्वल में से एक था गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल। किसी भी मूवी के सीक्वल को देखने के लिए पहले पार्ट की स्टोरी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना खाना बनाने से पहले रेसिपी का पता होना, वरना स्वाद की कमी होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। बता दें कि गदर एक प्रेम कथा में इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान जुदा हुए खानदानों के दृश्य को दिखाया गया था, पर इस जुदाई में मिले थे दो प्रेमी जिनका प्यार सरहद पार था। ये दोनों प्रेमियों के किरदार के लिए अनिल शर्मा ने चुना था उस समय की सबसे अनप्रेडिक्टेबल पेयर को, सनी देओल और अमीषा पाटेल को। मूवी के गाने उड़ जा काले कावा, मैं निकला गड्डी लेके आज के जमाने में भी लोग गुनगुनाते हैं। सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं, पर कहानी को जितना फिल्मी बनाया गया या फिर उतना ट्रेजिक दिखाया गया, ये प्रेम कथा रियल लाइफ में गदर मूवी बूटा सिंह की जिंदगी से काफी क्लोजली। जी हाँ दोस्तों, रियल नहीं, रियल हीरो बूटा सिंह इंडिया और पाकिस्तान की जंग में होने वाले सामाजिक दंगों से जैनाब नाम की मुस्लिम लड़की को बचाते हैं। आगे चल करके उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और शादी के बाद उनकी दो लड़कियां हो जाती हैं। गदर में दिखाया गया था कि एक डिकेड के बाद जब पाकिस्तान अथॉरिटीज सकीना को उनके बिछड़े घर वालों से मिलवाने का सोचते हैं, तो सकीना को दुर्भाग्यवश अपने पति और बेटे को एयरपोर्ट पे ही वीजा ना मिलने के कारण अलविदा बोलना पड़ता है। बल्कि रियल लाइफ में जैनब और बूटा सिंह की दो बेटियां होती हैं,
जिनमें से एक बूटा सिंह के साथ एयरपोर्ट पे ही रुक जाती है और एक जैनब अपने साथ ले जाती है। मूवी में सकीना को वापस पाने के लिए एक शर्त रखी जाती है जिसमें तारा सिंह यानी कि सनी देओल को हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलना होता है, जो ना करते हुए उन्होंने पूरे गांव से हाथापाई तक कर ली थी इसके पीछे, अपने देश की बेइज्जती ना सहते हुए। पर रियल लाइफ में बूटा सिंह को जबरदस्ती कोई चारा ना होने के वजह से अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा था। वो कहा गया है ना कि हैप्पी एंडिंग सिर्फ फिल्मों में ही होती है, रियल लाइफ में नहीं। जैनब और बूटा सिंह की भी कहानी उन दो प्रेमियों की ही तरह थी जिनका प्रेम अधूरा रह गया। बूटा सिंह और जैनब को पाकिस्तान कोर्ट में मुकदमा चला था। बूटा सिंह का मानना था कि अगर जैनब को उनके सामने ला दिया जाएगा तो वह जरूर सबके सामने उनके प्रेम की सच्चाई को कथा को बता देंगे, जिसमें जैनब ने बूटा सिंह के विरुद्ध अपने स्टेटमेंट को दिया था और सबको हैरान कर दिया था। उनके ये स्टेटमेंट पारिवारिक प्रेशर की वजह से था, जिसे बूटा सिंह की प्रेम कहानी पे पूरे पाकिस्तान के सामने एक फुल स्टॉप लग गया। गदर में दिखाया गया है कि कहानी के अंत में दोनों साथ में हो जाते हैं और सकीना के पिता दोनों को वैवाहिक जीवन के लिए राजी हो जाते हैं, पर रियल लाइफ में बूटा सिंह अकेले रह जाते हैं। उनके प्यार को ना पाने के ये गम उन्हें आत्महत्या करने पे भी मजबूर कर देता है और यही होता है गदर की रियल लाइफ के हीरो का दुखद अंत। कहानी को फिल्मों में बदलना एक कला है जो कि बहुत एंटरटेनमेंट की डिमांड करती है, इसीलिए रियल वर्सेस रील का चलन आज भी चलता आ रहा है। गदर की अब सीक्वल भी आने वाला है जिसमें तारा सिंह और सकीना माता पिता के रूप में दिखाई देंगे। हो सकता है कि पार्ट वन की तरह ही सीक्वल भी कुछ किसी असली इंस्पिरेशन में निर्धारित हो। बताया दिया जाए आपको कि सीक्वल में 1972 के इंडिया पाकिस्तान वॉर से निकली हुई एक ऐसी ही अनसुनी इंस्पिरेशन का काल्पनिक वर्जन है। आज की इस काल्पनिक और वास्तविक कहानी के सफर का अंत यही होता है। आशा है कि आपको बॉलीवुड स्टूडियोज की ऐसी ही रोचक वीडियोस को प्यार देते रहेंगे। है गदर का रियल हीरो, क्या गदर 2 भी हो सकती है किसी रियल लाइफ हीरो से इंस्पायर? रियल वर्सेस रियल, क्या है अंतर गदर की फिल्मी और सच्ची कहानी में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी शर्मा और आपका स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज की हमारी इस नई वीडियो पे। तो दोस्तों, 2021 में अनाउंस किए गए सीक्वल में से एक था गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल। किसी भी मूवी के सीक्वल को देखने के लिए पहले पार्ट की स्टोरी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना खाना बनाने से पहले रेसिपी का पता होना, वरना स्वाद की कमी होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। बता दें कि गदर एक प्रेम कथा में इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान जुदा हुए खानदानों के दृश्य को दिखाया गया था, पर इस जुदाई में मिले थे दो प्रेमी जिनका प्यार सरहद पार था। ये दोनों प्रेमियों के किरदार के लिए अनिल शर्मा ने चुना था उस समय की सबसे अनप्रेडिक्टेबल पेयर को, सनी देओल और अमीषा पाटेल को। मूवी के गाने उड़ जा काले कावा, मैं निकला गड्डी लेके आज के जमाने में भी लोग गुनगुनाते हैं। सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं, पर कहानी को जितना फिल्मी बनाया गया या फिर उतना ट्रेजिक दिखाया गया, ये प्रेम कथा रियल लाइफ में गदर मूवी बूटा सिंह की जिंदगी से काफी क्लोजली। जी हाँ दोस्तों, रियल नहीं, रियल हीरो बूटा सिंह इंडिया और पाकिस्तान की जंग में होने वाले सामाजिक दंगों से जैनब नाम की मुस्लिम लड़की को बचाते हैं। आगे चल करके उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और शादी के बाद उनकी दो लड़कियां हो जाती हैं। गदर में दिखाया गया था कि एक डिकेड के बाद जब पाकिस्तान अथॉरिटीज सकीना को उनके बिछड़े घर वालों से मिलवाने का सोचते हैं, तो
तो सकीना को दुर्भाग्यवश अपने पति और बेटे को एयरपोर्ट पे ही वीजा ना मिलने के कारण अलविदा बोलना पड़ता है। बल्कि रियल लाइफ में जैनब और बूटा सिंह की दो बेटियां होती हैं, जिनमें से एक बूटा सिंह के साथ एयरपोर्ट पे ही रुक जाती है और एक जैनब अपने साथ ले जाती है। मूवी में सकीना को वापस पाने के लिए एक शर्त रखी जाती है, जिसमें तारा सिंह यानी कि सनी देओल को हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलना होता है, जो ना करते हुए उन्होंने पूरे गांव से हाथापाई तक कर ली थी इसके पीछे, अपने देश की बेइज्जती ना सहते हुए। पर रियल लाइफ में बूटा सिंह को जबरदस्ती कोई चारा ना होने के वजह से अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा था। वो कहा गया है ना कि हैप्पी एंडिंग सिर्फ फिल्मों में ही होती है, रियल लाइफ में नहीं। जैनब और बूटा सिंह की भी कहानी उन दो प्रेमियों की ही तरह थी, जिनका प्रेम अधूरा रह गया। बूटा सिंह और जैनब को पाकिस्तान कोर्ट में मुकदमा चला था। बूटा सिंह का मानना था कि अगर जैनब को उनके सामने ला दिया जाएगा तो वह जरूर सबके सामने उनके प्रेम की सच्चाई को कथा को बता देंगे, जिसमें जैनब ने बूटा सिंह के विरुद्ध अपने स्टेटमेंट को दिया था और सबको हैरान कर दिया था। उनके ये स्टेटमेंट पारिवारिक प्रेशर की वजह से था, जिसे बूटा सिंह की प्रेम कहानी पे पूरे पाकिस्तान के सामने एक फुल स्टॉप लग गया। गदर में दिखाया गया है कि कहानी के अंत में दोनों साथ में हो जाते हैं और सकीना के पिता दोनों को वैवाहिक जीवन के लिए राजी हो जाते हैं, पर रियल लाइफ में बूटा सिंह अकेले रह जाते हैं। उनके प्यार को ना पाने के ये गम उन्हें आत्महत्या करने पे भी मजबूर कर देता है, और यही होता है गदर की रियल लाइफ के हीरो का दुखद अंत। कहानी को फिल्मों में बदलना एक कला है, जो कि बहुत एंटरटेनमेंट की डिमांड करती है, इसीलिए रियल वर्सेस रील का चलन आज भी चलता आ रहा है। गदर की अब सीक्वल भी आने वाला है, जिसमें तारा सिंह और सकीना माता पिता के रूप में दिखाई देंगे। हो सकता है कि पार्ट वन की तरह ही सीक्वल भी कुछ किसी असली इंस्पिरेशन में निर्धारित हो। बताया दिया जाए आपको कि सीक्वल में 1972 के इंडिया पाकिस्तान वॉर से निकली हुई एक ऐसी ही अनसुनी इंस्पिरेशन का काल्पनिक वर्जन है। आज की इस काल्पनिक और वास्तविक कहानी के सफर का अंत यही होता है। आशा है कि आपको बॉलीवुड स्टूडियोज की ऐसी ही रोचक वीडियोस को प्यार देते रहेंगे। इमोशंस की कमी पार्टीशन के जाने पर उत्कर्ष को खलेगी कमी इमोशंस की। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। कहते हैं कि हर फिल्म हमारे अंदर के सिनेमा प्रेमी को जगा देती है। इसके लिए फिल्म मेकर चाहे इमोशनल गाने हो या फिर इमोशनल सीन्स हो, हर किस्म के हमारे अंदर के इमोशन को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फिल्में इतनी ज्यादा इमोशनल होती है कि हमारे दिल को छू जाती है। ऐसी फिल्मों को हम कई बार देखते हैं, और ऐसे फिल्मों का हिट होना तो बहुत आम सी बात है, और लगता है कुछ ऐसा ही हुआ था गदर फिल्म के साथ। जी हाँ, अमीषा पटेल और सनी देओल की फिल्म गदर, जो कि पार्टीशन की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाती है, जहाँ अब इस फिल्म के सीक्वल में हमें भारत पाकिस्तान के युद्ध को दिखाया जाएगा और कई सालों का एक बड़ा जंप दिखाया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि जहाँ फैंस को गदर फिल्म में इस पार्टीशन से इतना ज्यादा लगाव था, जिसने इस फिल्म की कहानी को इतना एंटरटेनिंग बना दिया था, तो क्या कुछ ऐसा ही होगा गदर के सीक्वल के साथ भी? आपको बता दें कि सनी देओल अमीषा पटेल की ये लव स्टोरी, जो कि भारत और पाकिस्तान की लव स्टोरी थी, एक खास लव स्टोरी इसलिए बन गई क्योंकि इसमें पार्टीशन का ये ट्विस्ट दिखाया गया था। जाहिर सी बात है कि पार्टीशन को लेकर भारतीयों के दिलों और दिमाग में एक अलग ही इमोशंस है, और इसी इमोशन को डायरेक्टर ने जगा दिया और गदर फिल्म बन गई एक सुपरहिट फिल्म। अब देखने वाली बात यह है कि उत्कर्ष शर्मा, जो कि सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का किरदार निभा रहे, फिर से वही इमोशन जगा पाएंगे? क्या भारत पाकिस्तान के इस युद्ध को लेकर होगी फैंस के इमोशन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो हमारे अंदर के सिनेमा लवर को लेकर आएंगे बाहर? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें करना पड़ेगा गदर 2 के रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक के लिए फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।
आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब यह फिल्म जब थिएटर्स में आएगी तो क्या धमाल होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो भाई इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सनी देओल को जान से मारने की धमकी, गदर 2 को लेकर क्या बोले धर्मेंद्र पाजी। नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीवुड स्टूडियोज पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक ऐसी चीज की जो आपके लिए गुड न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आज हम बात करते हैं फिल्म गदर के बारे में। गदर का सीक्वल बहुत जल्द आने वाला है और फिल्म को काफी लोग पसंद भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बॉलीवुड में चल रहा है बॉयकॉट ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, बॉयकॉट ट्रेंड बहुत जोर शोर से चल रहा है और हर कोई सुपरस्टार इस ट्रेंड की चपेट में आ रहा है। फैंस किसी न किसी फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं और फिल्म को फ्लॉप करवा रही हैं। इसी बीच कई सारे वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। वहीं एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सनी देओल को एक लेडी धमकी देती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वो लेडी कहती है कि अगर गदर 2 रिलीज हुई तो सनी देओल मैं तुझे तेरे घर के आगे आके इतना मारूंगी कि तेरे घर वाले भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इंटरनेट पे ऐसे कई सारे वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं जहां कुछ सेक्शन ऑफ फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है फिल्म के लिए, कुछ फैंस बिल्कुल भी नहीं चाहते फिल्म रिलीज हो। हालांकि हम तो चाहते हैं फिल्म रिलीज हो क्योंकि फिल्म एक राष्ट्रवादी फिल्म है और फिल्म काफी ज्यादा हिट भी होगी, ऑडियंस को पसंद भी आएगी। इसी बीच धर्मेंद्र पाजी से जब इस सब पे पूछा गया तो धर्मेंद्र पाजी ने कहा, मैं गदर 2 के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और मैं ये चाहता हूँ जिससे फिल्म देखनी है वो देखे, जिससे नहीं देखनी नहीं देखे। उन्होंने ये भी कहा कि वो काफी साल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और हर बार हर किसी को खुश करना तो पॉसिबल नहीं। कुछ फैंस नाराज होंगे, कुछ खुश भी होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की इंसल्ट करेंगे। ये करारा जवाब सुनने के बाद देखते हैं गदर 2 के हेटर्स का क्या नतीजा होने वाला है। आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। होगा दो प्रेमियों का मिलन, कौन मिलाएगा लव बर्ड्स को, क्या साहिबा हो जाएंगी इमोशनल। अपने दोस्त के बेटे के जोरों शोरों से स्वागत करने के बाद हमारे एवरग्रीन जॉनी लीवर जीते की मदद में लग जाएंगे। साहिब का एड्रेस जीते के पास ऑलरेडी होगा जो कि उनके दोस्त ने उन्हें दिया होगा। चर्चा की मदद से जीते साहिबा के घर तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं होगी, इसलिए वो काफी देर तक घर के बाहर खड़े रहेंगे। और बता दें आपको कि थोड़ी देर बाद खूब घमासान बारिश होगी जिसमें हमारे आशिक जीते भीग जाएंगे साहिबा के इंतजार में। साहिबा के घर के अंदर उनकी माँ बाहर से कपड़े उतार लेंगी और बोलेंगे कि पता नहीं कौन कि कौन बहा रहा है, खाली सड़क पर इतनी बारिश जाने किसका इंतजाम कर रहा है। ये सुनकर साहिबा अपना सारा काम छोड़कर तेजी से खिड़की के पास पहुंचेंगी और देखेंगी कि उनके इंतजार में जीते ही बावरे होकर भीग रहे होंगे। ये देखने के बाद दोस्तों आपको बता दें कि साहिबा के आंखों में खुशी के आंसू हमें नजर आएंगे और बता दे दोस्तों कि नीचे जाने लगेंगी वो, लेकिन फिर उनके कदम रुक जाएंगे क्योंकि आपको बता दे दोस्तों कि उन्हें याद आएगा कि वो ऐसे खुली सड़क पर जीते से नहीं मिल सकती, इसलिए वो उनसे इशारे से घर के पीछे की रोड पर बुलाती और चोरी छुपे उनसे मिलने पहुंच जाती है। जीते को अपने सामने खड़ा देख वो अपने आंसू को नहीं रोक पाती और जोर से उन्हें गले लगा लेती है। आपको बता दें दोस्तों कि जीते भी उनके साथ इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी देर हग करने के बाद वो बोलती है, तुम पागल हो, यहाँ कैसे आ गए। जिस पर जीते हंसकर बोलते हैं, सोचा है कि मरने से पहले तुम्हें यूं ही मिल लूं। ये सुनकर दोस्तों आपको बता दें कि साहिबा जीते को गल पर जोर की थपकी दे देती है और कहती है कि कौन मर रहा है, तुम। तो
तो जीते बोले हाँ, एक लड़की है उसे चक्कर नहीं करना, अगर हम बात करें तो ऐसा हो भी सकता है कि वो मर जाए। और ये सुनकर साहिबा की आंखों में जोर जोर से वो बात करे फिर से आंसू निकल जाते हैं। तो जीते उन्हें चुप कराते हैं और बोलते हैं, अरे नहीं नहीं कोई नहीं मर रहा, कौन मर रहा है, सब ठीक है। ये सुनकर दोस्तों बता दें कि साहिबा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि हमें पता है कि हम धोखेबाज हैं जो ऐसे चले आते हैं बिना किसी कोशिश के। जीता ये सुनकर बात करे साहिबा के चेहरे हल्का ऊपर करते हैं और बोलते हैं, किसी की कोई गलती नहीं और वैसे भी अब सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। बहुत बड़ी रात, ऐसा क्या हुआ गदर 2 की शूटिंग के दौरान कि सभी चौंक गए? पर वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। हेलो, मैं हूं पूर्णिमा, वेलकम बैक टू बॉलीवुड स्टूडियोज। बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवी गदर, जिसके सीक्वल का इंतजार देश का हर इंसान कर रहा है, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। और वो अपडेट क्या है चलिए जानते हैं। गदर 2 को लेकर ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ऑडियंस ने तो ये तक बोल दिया है कि हम सब मिलकर गदर 2 को ब्लॉकबस्टर करवा के रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्कर्ष शर्मा गदर 2 में तारा सिंह के बेटे का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं जो पाकिस्तान में पकड़ा जाता है। लेकिन उत्कर्ष पाकिस्तान कैसे पहुंचा इसका खुलासा आज हो गया है। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, उत्कर्ष पाकिस्तान में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने पहुंचेगा, लेकिन वो खुद ही पाकिस्तान आर्मी के हाथों पकड़े जाएगा। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि अमीषा पटेल अकेली हीरोइन नहीं होगी इस फिल्म में, बल्कि तारा सिंह के बेटे की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर सिमरत कौर प्ले करने वाली है। लोगों ने उनके पहले के काम को भी काफी पसंद किया है। इसके अलावा गदर 2 के सेट का एक ऐसा BTS वीडियो सामने आया है जो इस फिल्म के क्रेज को साफ दिखाता है। आपको बता दें कि गदर 2 की शूटिंग लखनऊ के साथ साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों में भी हुई है और ये वायरल हो रहा वीडियो कश्मीर की शूटिंग के दौरान का ही है, जहां एक कश्मीरी मुसलमान गदर 2 की शूटिंग देखने पहुंचा और उसने कुछ ऐसा किया जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। वहां पहुंचे इस आदमी ने अपने कपड़े फाड़ कर अपने दिल की तरफ इशारा करके कहा, हिंदुस्तान कहाँ रहता है, हमारे दिल में। जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और देखते ही देखते उस बंदे के आसपास भीड़ जमा हो गई। आप लोगों का इस क्रेजीएस्ट फैन के बारे में क्या सोचना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये तो बात हो गई क्रेजीएस्ट फैन की, अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ सनी देओल को लेकर हंगामा चल रहा है। दरअसल जैसा कि आपको पता होगा, गदर फिल्म के बाद से सनी देओल पाकिस्तान में बैन है और जब से गदर 2 की अनाउंसमेंट हुई है पाकिस्तान की जनता बौखला गई है और पाकिस्तान की जनता का मिजाज देखते हुए गदर 2 को पाकिस्तान में बैन भी किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या बैन होगी गदर 2 पाकिस्तान में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। कहते हैं कि हर फिल्म हमारे अंदर का सिनेमा प्रेमी को जगा देती है। इसके लिए फिल्म मेकर चाहे इमोशनल गाने हो या फिर इमोशनल सीन्स हो, हर किस्म से हमारे अंदर के इमोशन को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फिल्में इतनी ज्यादा इमोशनल होती हैं वो हमारे दिल को छू जाती हैं। ऐसी फिल्मों को हम कई बार बार देखते हैं और ऐसी फिल्मों का हिट होना बहुत आम बात है। और लगता है कुछ ऐसा ही हुआ था गदर फिल्म के साथ। अमीषा पटेल और सनी देओल की फिल्म गदर, जो कि पार्टीशन की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाती है, एक ऐसी ही फिल्म थी जहां अब इस फिल्म के सीक्वल से हमें भारत पाकिस्तान के युद्ध को दिखाया जाएगा और कई सालों का एक जंप दिखाया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि जहां फैंस को गदर फिल्मों में इसे पार्टीशन से इतना ज्यादा लगाव था जिसने इस फिल्म की कहानी को इतना ज्यादा एंटरटेनिंग बना दिया था, तो क्या अब कुछ ऐसा ही होगा गदर के सीक्वल के साथ? आपको बता दें कि सनी देओल अमीषा पटेल की ये लव स्टोरी, जो कि भारत और पाकिस्तान की लव स्टोरी थी, एक खास लव स्टोरी इसलिए ही बन गई क्योंकि इसमें पार्टीशन का ये ट्विस्ट दिखाया गया था। जाहिर सी बात है कि पार्टीशन को लेकर भारतीयों के दिलो दिमाग में एक अलग ही इमोशन है और इसी इमोशन को डायरेक्टर ने जगा दिया और गदर फिल्म बन गई एक सुपरहिट फिल्म।
अब देखने वाली बात यह है कि क्या उत्कर्ष शर्मा, जो कि सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का किरदार निभा रहे हैं, फिर से वही इमोशन जगा पाएंगे? क्या भारत पाकिस्तान के इस युद्ध को लेकर होंगी फैंस के इमोशंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो हमारे अंदर के सिनेमा लवर को लेकर आएंगे बाहर? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा गदर 2 का रिलीज होने का इंतजार। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया के साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। कौन सा डायलॉग था जिसने लोगों का दिल जीत लिया था? क्या आने वाले हैं गदर 2 में दोबारा सेम डायलॉग? गदर का कौन सा डायलॉग था जो आज भी याद किया जाता है? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के ये एक्टर न सिर्फ अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं, बल्कि हमेशा से ही लोगों के दिलों में एक्शन और रोमांटिक हीरो की तरह शामिल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल की। सनी देओल को फिल्म गदर में एक रोमांटिक और एक्शन हीरो के रूप में एक साथ देखा गया था, लेकिन सनी का कहना है कि वो फिल्म थी जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती ही चली गई। आपको बता दें कि सनी देओल अपने समय के सुपरस्टार रहे हैं। रोमांटिक फिल्म से करियर शुरुआत करने वाले सनी की इमेज एक्शन और एक गुस्सैल हीरो की बन गई। सनी देओल की पहचान बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो के तौर पर होती है। 2001 में आई गदर ने न सिर्फ सनी देओल को एक एक्शन हीरो बनाया, बल्कि हम सबको बहुत कुछ बेहतरीन डायलॉग से भी रूबरू कराया। उनमें से कुछ बेहतरीन डायलॉग की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। गदर का सबसे पहला डायलॉग, जब तारा को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिलती तो वो क्या कहता है? एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती, और बेशक उसे कोई रोक भी नहीं पाया। वो गया भी और अपनी बीवी को साथ में भी लाया, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में कोई कर दे तो कसम से गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। कितनी अलग है रियल और रियल लाइफ। हम फिल्मों के मुद्दों को दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में आजमा नहीं सकते। और ये डायलॉग कोई कैसे भूल सकता है, जब तारा ने कहा कि अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। आज भी कभी जब पाकिस्तान और हिंदू में कोई लड़ाई झगड़े की खबरें सामने आती हैं तो इस डायलॉग का इस्तेमाल किया जाता है। अब लव मैरिज हो और इस डायलॉग का इस्तेमाल ना हो तो भाई कैसी लव मैरिज? लेकिन कौन सा डायलॉग? वो डायलॉग है, बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को लिमरेगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो गदर के हिट हुए, जैसे जिंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, जीना तो पड़ता है मैडम जी, जीना तो पड़ता है। इसमें तारा सकीना को जिंदगी जीने का पाठ पढ़ाता है, जब सकीना और तारा में से किसी को भी नहीं पता था कि वो दोबारा मिलेंगे और कभी ना बिछड़ने के लिए मिलेंगे। और आखिरी डायलॉग जो लगता है दिल पर, वो भी ठां करके, जो था, मुझ गरीब पर रहम तुमने क्या किया, जो कुछ था मेरे पास सब लूट लिया। हाय, क्या डायलॉग थे गदर में। ने क्या शेयर किया अपने सोशल मीडिया पेज पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के बारे में। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में बरकरार है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको कोई नहीं भूल सकता है। अब फिल्म में दोनों कलाकार की दमदार अदाकारी ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। अब गदर एक प्रेम कथा को अभी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस बीच फिल्म गदर के फैंस के लिए एक धमाकेदार गुड न्यूज आ रही है। ये खबर सुनकर एक बार फिर 2001 की गदर एक प्रेम कथा की यादें फैंस के दिलों में ताजा हो जाएंगी। अब खबरों की माने तो फिल्म गदर का सीक्वल बनाया जा रहा है। निर्देशक अनिल शर्मा की इस प्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म गदर 2 ने लखनऊ में फिल्म की शूटिंग को ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया है। अब फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है, और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जो फाइनली पूरी हो चुकी है। अब फिल्म गदर 2 के सेट पर आ रही खबरों की बात करें तो फिल्म ने पार्ट 2 की लगभग 80% शूटिंग को पूरा कर लिया है। बता दें कि सनी देओल और अमीषा पटेल की स्टारर
गदर 2 इस बार भी उसी जोश और एक नए तजुर्बे के साथ पर्दे पर रिलीज होगी और फिल्म की शूटिंग लखनऊ से जुड़े शहर बाराबंकी में स्थित जिला कारागार की में की गई है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक ने इस सीक्वल को शूट करने के लिए सरकार से अनुमति ली है। पहले ये शूटिंग 16 अप्रैल को शुरू होनी थी लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको टालकर 20 अप्रैल से शुरू किया गया। अब जिसके बाद अब जाकर फिल्म की शूटिंग फाइनली खत्म हो पाई है। आपको बता दें कि फिल्म में एक्ट्रेस सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीतने के लिए नजर आएंगी। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वही पुरानी तारा सिंह के लुक में अपनी तस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर की है ताकि फैंस अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। अब इस तस्वीर के साथ कैप्शन देते हुए एक्टर ने लिखा कि केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही अद्भुत किरदारों के जीवन में वापस लाने का मौका मिलता है। अब 20 साल बाद एक बार फिर से पेश है तारा सिंह। आगे उन्होंने लिखा कि फिल्म गदर 2 का पहला शेड्यूल पूरा करके बहुत ही अच्छा महसूस मैं कर रहा हूँ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की थी। अब तस्वीरों में जहां एक और सनी देओल तारा सिंह लुक में नजर आ रहे हैं तो वहीं अमीषा भी अपना वही पुराना लुक कैरी किया था उन्होंने। अब शेयर की गई तस्वीरों में दोनों कलाकार अपनी टीम के साथ ही हमें दिखाई दिए हैं। फिल्म गदर का सीक्वल गदर 2 इस साल के एंड तक थिएटर्स में दस्तक देगा। अब फिल्म के रिलीज का दर्शकों को और फैंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। अब उम्मीद है कि इस बार भी फिल्म अपना वही पुराना जादू बिखेरने में कामयाब हो और साथ ही इन दोनों की सुपरहिट जोड़ी को देखने के लिए हर कोई उतावला है। सभी पुराने गाने होंगे रिक्रिएट। किस सिंगर को मेकर्स कर चुके हैं कंफर्म? या फिर तारा सिंह गाएंगे एक गाना? दोस्तों, बॉलीवुड का गानों से कितना ज्यादा गहरा नाता है ये बात तो हम सभी जानते हैं। एक जनरल मूवी में एक गाना होता है ये बात भी हम सभी जानते हैं। और लेकिन बॉलीवुड की फैंटेसी कुछ ऐसी है कि वो लिटरली किसी भी मूवी में गाने ऐड कर ही देते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी की फिल्म क्यों ना हो, उसमें गाने तो होने ही चाहिए दोस्तों। और यही साइड इफेक्ट आजकल झेल रही है हमारी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म यानी कि ब्रह्मशास्त्र। हालांकि बात करें दोस्तों, फिल्म के जो गाने हैं वो इतने खराब नहीं है और ना ही वो सुनने में खराब लगते हैं, लेकिन फिर भी क्रिटिक्स का कहना था कि फिल्म की जो स्टोरी है ना उसमें इन गानों की खास जरूरत नहीं थी, और अगर डाल भी दिए हैं तो वो बहुत गलत जगह पर इनपुट किए गए हैं। लेकिन आज के टाइम पे कुछ मूवीज ऐसे तो जरूर हैं जिसके गाने ही फिल्म के असली एक्स फैक्टर होते हैं, जैसे अभी हाल ही में अनाउंस हुई आशिकी 3। इस सॉन्ग सेंटर्ड फिल्म को तो हम जानते ही हैं इसके सुपरहिट गानों की वजह से, बट मैं यहाँ आज आशिकी 3 की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, बल्कि मेरा इशारा है नेक्स्ट ईयर आने वाली फिल्म यानी कि गदर 2 की ओर। वैसे तुम सभी जानते हैं कि गदर अपने एक्शन और दमदार स्टोरी लाइन की वजह से काफी ज्यादा जानी जाती है और फैंस को उम्मीद भी यही है कि आने वाली फिल्म में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आप ये भूल गए हो कि गदर फिल्म का पूरा नाम था गदर एक प्रेम कथा यानी कि एक लव स्टोरी, और जब लव स्टोरी में ही रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। जी हाँ, यानी कि आने वाली फिल्म गदर 2 में हमें कई रोमांटिक सॉन्ग्स देखने को और सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन 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 सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स ही नहीं बल्कि हमें आने वाले सीक्वल में पुरानी फिल्म के कई गाने भी सुनने को मिलेंगे। हालांकि शुरुआत में दोस्तों ये खबर आई थी कि फिल्म में सिर्फ एक पुराना गाना ही रिक्रिएट किया जाएगा और वो होगा तारा सिंह का मैं निकला गड्डी लेके, जिसे इस बार वो और उसका बेटा दोनों अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग लोकेशंस पर शूट करने की सोच रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और हो सकता है कि वो उसको करते हुए नजर भी आए। लेकिन अभी ये सुनने में आया है कि फिल्म में इसके सिवा दो और गाने भी रिक्रिएट किए जाएंगे और ये गाने होंगे उठ जा काले कावा और मुसाफिर जाने वाले। सोर्सेस की माने तो मेकर्स ने इनमें से एक गाने के लिए तो सिंगर भी डिसाइड कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, फिल्म का फेमस रोमांटिक सॉन्ग मुसाफिर जाने वाले के लिए अगर हम बात करें, मेकर्स ने जुबिन नौटियाल को डिसाइड कर लिया है।
हालांकि अभी इससे जुड़ी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर नहीं आई है, लेकिन ये न्यूज़ दोस्तों आपको बता दें कि लगभग कंफर्म है। और अगर सच में ऐसा होता है तो ये वाकई में देखने लायक होगा कि जुबिन पुराने सॉन्ग को गाने वाले लेजेंडरी सिंगर यानी कि उदित नारायण को कैसे टक्कर देंगे। फिलहाल ये तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों। कंटिन्यूटी एरर करेंगे काम खराब, किस एरिया में ध्यान देना है जरूरी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं खबर लेकर आई हूँ फिल्म गदर 2 के बारे में। बहुत समय से जब गदर फिल्म के सीक्वल की बात चल ही रही है तो सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या गदर फिल्म का सीक्वल एक रीमेक होने वाला है या फिर इसमें हम कहानी को आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं। जहां बात आती है पुरानी फिल्मों के सीक्वल की, चाहे वो कूली नंबर 1 हो या फिर जुड़वा 2, हमने हमेशा ये देखा है कि पुरानी फिल्मों के रीमेक से ही इसका सीक्वल बनाया जाता है और फैंस ऐसा देखना पसंद भी करते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक काफी बड़ा और मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि ना केवल ये मुश्किल काम है बल्कि साथ ही जब किसी पुरानी कहानी को बहुत समय बाद बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है तो उसमें बहुत सारी कंटिन्यूटी एरर्स भी आने लगती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जब कहानी के बीच में कुछ ऐसे प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जो कुछ कहानी के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर दें। जाहिर सी बात है कि गदर फिल्म जो इतने ज्यादा समय पहले आई थी, जब अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है तो क्या इसमें पुरानी कहानी के हर उस पहलू को आगे बढ़ाया जा पाएगा उतने ही बेहतरीन तरीके से? शायद हाँ शायद ना। जब सारे एक्टर्स भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं और कहानी का हर एक मोड़ बदल चुका है तो इन्हीं कंटिन्यूटी एरर्स को फैंस हमेशा नोटिस करते हैं और ये फिल्म के नेगेटिव पार्ट्स में से मानी जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब किसी फिल्म को बहुत समय से बनाया जा रहा होता है तो हर एक चीज का अच्छे से ख्याल रखा जाता है और लगता है कि गदर फिल्म के मेकर्स भी कुछ ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं। अगर वो गदर 2 में इन सभी कंटिन्यूटी एरर्स को ठीक कर पाते हैं और कहानी को एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो गदर 2 एक सुपरहिट फिल्म होने ही वाली है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा प्लॉट पॉइंट हो जो पहले ही कहानी से मैच ना करता हो तो ये फिल्म फैंस के लिए और देश भर के ऑडियंस के लिए होने वाली है काफी निराशा की बात। लेकिन हम रख रहे हैं गदर 2 से बहुत ज्यादा उम्मीदें और कर रहे हैं इस फिल्म का बेताबी से इंतजार, लेकिन लगता है कि ये इंतजार चलेगा थोड़ा लंबा क्योंकि गदर फिल्म के मेकर्स हैं इस फिल्म को परफेक्शन बनाने की होड़ में और इसके लिए हम हैं काफी एक्साइटेड। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें। सोशल मीडिया पर करेगी कमबैक अमीषा का इंस्टाग्राम फीवर। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा, वेलकम बैक टू बॉलीवुड रैट स्टूडियोज। अमीषा पटेल जो कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक समय की सबसे टॉप की एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती थी, अपनी सुंदरता से हमें कई बार इम्प्रेस कर चुकी हैं। जी हाँ, चाहे वो उनकी फिल्म कहो ना प्यार में उनकी भोली सी सूरत हो या फिर गदर फिल्म में उनकी वो नजाकत जिसने सकीना के किरदार को और भी ज्यादा बेहतरीन बना दिया था। अमीषा पटेल ने हमें अपनी सुंदरता से कई बार इम्प्रेस किया है। हम अमीषा पटेल के इंस्टाग्राम पर भी बेहतरीन कमबैक की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में काफी ज्यादा ग्लैमरस पिक्चर्स पोस्ट करके इंस्टाग्राम का तापमान काफी बढ़ा दिया है। जी हाँ, चाहे वो उनकी बिकिनी में पिक्चर्स हो या फिर उनकी थ्रोबैक पिक्चर्स, हर जगह अमीषा पटेल ही छाई हुई है। वो सोशल मीडिया पर अपने आप को काफी ज्यादा एक्टिव दिखा रही है जिसकी वजह से फैंस भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम उनका हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बेहतरीन कमबैक देख सकते हैं। अगर कमबैक की बात कर ही रहे हैं तो अमीषा पटेल इस समय कमबैक के पूरे मूड में हैं क्योंकि वो करने वाली है कमबैक गदर फिल्म के सीक्वल के साथ। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि आइकॉनिक फिल्म गदर अपने सीक्वल के साथ वापसी कर रही है। इतने सालों बाद जब हमें एक बार फिर से सनी देओल और अमीषा पटेल भारत और पाकिस्तान की कहानी में फंसते हुए दिखेंगे और अपने बेहतरीन प्यार से सबको एंटरटेन करते हुए दिखेंगे तो ये होने वाला है काफी दिलचस्प। जाहिर सी बात यह है कि अमीषा पटेल एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आने की कोशिश कर रही हैं, तो इस चक्कर में उन्हें अपने आप को और कई चीजों में इम्प्रूव करना पड़ रहा है जिनमें से एक है सोशल मीडिया। तो हम सोशल मीडिया पर अमीषा पटेल से गदर फिल्म के सीक्वल के बारे में भी कुछ ना कुछ नया पा सकते हैं और साथ ही उनके इस कमबैक को देखने के लिए हम और देश भर की ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है।
क्या फिल्म का सीक्वल फिल्म के पहले हिस्से से ज्यादा कमाई कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमको करना पड़ेगा गदर 2 के रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक आप फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको बता दें, ये फिल्म काफी बड़े लेवल पर बन रही है और इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच काफी एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रही है। इस फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड राज स्टूडियोज को। की गई है फिल्म की शूटिंग, एक्टर्स ने क्या शेयर किया अपने सोशल मीडिया पेज पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड राज स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के बारे में। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में बरकरार है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको कोई नहीं भूल सकता है। अब फिल्म में दोनों कलाकार की दमदार अदाकारी ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। अब गदर एक प्रेम कथा को अभी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस बीच फिल्म गदर के फैंस के लिए एक धमाकेदार गुड न्यूज आ रही है। ये खबर सुनकर एक बार फिर 2001 की गदर एक प्रेम कथा की यादें फैंस के दिलों में ताजा हो जाएंगी। अब खबरों की माने तो फिल्म गदर का सीक्वल बनाया जा रहा है। निर्देशक अनिल शर्मा की इस प्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म गदर 2 ने लखनऊ में फिल्म की शूटिंग को ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया है। अब फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है, और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो अब फाइनली पूरी हो चुकी है। अब फिल्म गदर 2 के सेट पर आ रही खबरों की बात करें तो फिल्म ने पार्ट 2 की लगभग 80% शूटिंग को पूरा कर लिया है। बता दें कि सनी देओल और अमीषा पटेल की स्टारर गदर 2 इस बार भी उसी जोश और एक नए तजुर्बे के साथ पर्दे पर रिलीज होगी, और फिल्म की शूटिंग लखनऊ से जुड़े शहर बाराबंकी में स्थित जिला कारागार की में की गई है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक ने इस सीक्वल को शूट करने के लिए सरकार से अनुमति ली है। पहले ये शूटिंग 16 अप्रैल को शुरू होनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको टालकर 20 अप्रैल से शुरू किया गया। अब जिसके बाद अब जाकर फिल्म की शूटिंग फाइनली खत्म हो पाई है। आपको बता दें कि फिल्म में एक्ट्रेस सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीतने के लिए नजर आएंगी। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वही पुरानी तारा सिंह के लुक में अपनी तस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर की है, ताकि फैंस अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। अब इस तस्वीर के साथ कैप्शन देते हुए एक्टर ने लिखा कि केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही अद्भुत किरदारों के जीवन में वापस लाने का मौका मिलता है। अब 20 साल बाद एक बार फिर से पेश है तारा से। आगे उन्होंने लिखा कि फिल्म गदर 2 का पहला शेड्यूल पूरा करके बहुत ही अच्छा महसूस मैं कर रहा हूँ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की थी। अब तस्वीरों में जहां एक और सनी देओल तारा सिंह के लुक में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अमीषा भी अपना वही पुराना लुक कैरी किया था उन्होंने। अब शेयर की गई तस्वीरों में दोनों कलाकार अपनी टीम के साथ ही हमें दिखाई दिए हैं। फिल्म गदर का सीक्वल गदर 2 इस साल के एंड तक थिएटर्स में दस्तक देगा। अब फिल्म के रिलीज का दर्शकों को और फैंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। अब उम्मीद है कि इस बार भी फिल्म अपना वही पुराना जादू बिखेरने में कामयाब हो, और साथ ही इन दोनों की सुपरहिट जोड़ी को देखने के लिए हर कोई उतावला है। आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अमीषा सनी की दिखेगी केमिस्ट्री, क्या पहले जैसी होगी उनकी केमिस्ट्री? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड राज स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब भी आप किसी भी काम से कोई ब्रेक ले लेते हैं तो उसके बाद आपको उस ब्रेक से वापसी करना काफी मुश्किल सा हो जाता है। ऐसे एक्टर्स जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से काफी बड़ा ब्रेक ले लिया हो और उसके बाद वो अपना कमबैक करने की कोशिश करते हैं,
वैसे एक्टर्स को कुछ इस दौर से गुजरना पड़ता है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उनके लिए पहले जैसे हालत पैदा करना काफी मुश्किल हो जाता है। और वहाँ कम ही ऐसे एक्टर्स होते हैं जो अपने सेकेंड इनिंग्स में पहले ऐसा काम कर पाते हैं। हालांकि ये काफी मुश्किल है और काफी कम हमें देखने को मिलता है। आपको बता दें, कुछ ऐसा ही हुआ था एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ। रवीना टंडन जिन्होंने हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा ही बड़ा ब्रेक लिया और अब जाकर उस ब्रेक से वापसी कर पाई है। कुछ ऐसा ही हो रहा है अमीषा पटेल और सनी देओल के साथ भी। जी हाँ, गदर फिल्म के साथ हमारे बड़े पर्दे पर शकीना और तारा सिंह का ये बेहतरीन कपल जब आया था तो वो एक आयनिक मोमेंट था। गदर फिल्म एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई और उसकी एक लौती वजह थी उनकी केमिस्ट्री। सनी देओल और अमीषा पटेल की इतनी बेहतरीन केमिस्ट्री ने इस फिल्म के अंदर जान डाल दी थी। जाहिर सी बात है कि गदर एक प्रेम कथा थी और इस प्रेम कथा को सनी देओल और अमीषा पटेल की बेहतरीन केमिस्ट्री ने ही हिट करवा दिया। जहां गदर फिल्म के सीक्वल की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये फिल्म जल्दी बड़े पर्दे पर दिखाई देगी, ये सवाल उठता है क्या पहले जैसा होगा इन दोनों के बीच प्यार? क्या होगी इनकी केमिस्ट्री उतनी ही बेहतरीन जैसे हमने गदर फिल्म में देखी थी? जाहिर सी बात है कि इतने सालों बाद जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉन्डिंग पहले जैसी ना हो और एक साथ स्क्रीन शेयर करना काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो क्या ऐसा वाकई में होता है या फिर नहीं, ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा गदर 2 की रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक के लिए फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का आप भरपूर फायदा उठाइए। वेल दोस्तों, आपको ये बता दें, इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब यह फिल्म जब रिलीज होगी तो क्या धमाल होगा, इसके लिए तो हमें फिल्म रिलीज का इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम तो भाई इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किस गलती से बचना है जरूरी, कंटिन्यूटी एरर करेगा काम खराब, किस एरिया में ध्यान देना है जरूरी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ पॉलीग्राड स्टूडियोज में। बहुत समय से जब गदर फिल्म के सीक्वल की बात चल ही रही थी तो सभी के जहन में एक ही सवाल आया कि क्या गदर फिल्म का सीक्वल एक रिमेक होने वाला है या फिर इसमें हम कहानी को आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं। जहां बात आती है पुरानी फिल्मों के सीक्वल की, चाहे वो कुली नंबर 1 हो या फिर जुड़वा 2, हमने हमेशा ये देखा है कि पुरानी फिल्मों के रिमेक से ही इसका सीक्वल बनाया जाता है और फैंस ऐसा देखना पसंद भी करते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक काफी बड़ा टास्क होता है, क्योंकि न केवल ये एक मुश्किल काम है बल्कि साथ ही जब किसी पुरानी कहानी को बहुत समय बाद बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है तो उसमें बहुत सारे कंटिन्यूटी एरर भी आने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जब कहानी के बीच में कुछ ऐसे प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जो कुछ कहानी के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जाहिर सी बात है कि गदर फिल्म तो इतने ज्यादा समय पहले आई थी, जब अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है तो क्या इसमें पुरानी कहानी के उस पहलू को आगे बढ़ाया जा पाएगा उतने बेहतरीन तरीके से? जब सारे एक्टर्स भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं, कहानी का हर एक मोड बदल चुका है, तो इन्हीं कंटिन्यूटी एरर को फैंस हमेशा नोटिस करते हैं और ये फिल्म के नेगेटिव पार्ट्स में से मानी जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब किसी फिल्म को बहुत समय से बनाया जा रहा होता है तो हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है और लगता है कि गदर फिल्म के मेकर्स भी कुछ ही तैयारी कर रहे हैं। अगर वो गदर 2 में इन सभी कंटिन्यूटी एरर को ठीक कर पाते हैं और कहानी को एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो गदर 2 एक सुपर हिट फिल्म होने वाली है ही। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा प्लॉट पॉइंट हो जो पहले की कहानी से मैच ना करता हुआ हो तो फैंस के लिए और देश भर के ऑडियंस के लिए होने वाली है काफी निराशा की बात। लेकिन हम रख रहे हैं गदर 2 से बहुत ज्यादा उम्मीदें और कर रहे हैं इस फिल्म का बेताबी से इंतजार। लेकिन लगता है कि ये इंतजार चलेगा थोड़ा लंबा, क्योंकि फिल्म गदर के मेकर्स हैं इस फिल्म के परफेक्शन बनाने की होड़ में और इसके लिए हम तो काफी हैं एक्साइटेड। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया में काम करना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है, इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। कौन सा गाना फिल्म में होगा रिक्रिएट? कौन से सिंगर्स हो चुके हैं कंफर्म? क्या फिर वही पुराना सीन आएगा नजर?
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कहानी के साथ साथ उनके गानों से भी हमारे दिल के तार बंधे हुए होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन उनके गाने इंडस्ट्री में धूम मचा जाते हैं। वहीं कभी ऐसी भी फिल्में मिलती हैं जिनकी स्टोरी लाइन और ओवरऑल फिल्म एक्सपीरियंस तो जबरदस्त होता है, लेकिन फिल्म के गाने कानों को कुछ खास आराम नहीं देते। लेकिन ऐसी एक्सेप्शनल मूवीज बहुत कम देखने को मिलती हैं जो दोनों ही फील्ड्स में महारथी हो, यानी स्टोरी तो दमदार हो ही, साथ ही उसके बीच में जब गाना आए तो वो भी कहानी में चार चांद लगा दे। लेकिन ये बात मैं आज के बॉलीवुड को देखकर कह रही हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में एक टाइम ऐसा था जब ये बात बहुत ही आम थी, यानी फिल्म में कहानी को दमदार तो दिखाया जाता ही था, लेकिन गाने ऐसे कि दिल को छू जाएं। और उसी वक्त ही एक फिल्म थी सनी देओल की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर प्लस लव स्टोरी फिल्म गदर एक प्रेम कथा। ये एक ऐसी मूवी थी जो ना तो टिपिकली एक्शन बेस्ड थी और ना ही कम्प्लीटली रोमांटिक। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर थी कि फिल्म तारा सिंह की प्रेम कथा पर बेस्ड थी। लेकिन फिल्म में एक्शन और लव एंगल के साथ साथ एक चीज और थी जो काफी अट्रैक्टिव थी, और वो थे इसके गाने। फिल्म की शुरुआत में ही हीरो का हीरोइन से मिलते वक्त आने वाला गाना ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके इतना हिट हुआ था कि लोगों की जुबान पर रस बस गया था। जैसे शोर तारा सिंह के गाते वक्त उसके सामने बैठी ऑडियंस मचा रही थी, उससे कहीं ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठी पब्लिक कर रही थी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये थ्रिल, ये एक्साइटमेंट आप बहुत जल्द फिर से एक बार महसूस करने वाले हैं, वो भी उसके पुराने अंदाज में ही। जी हाँ, क्योंकि वापस आ रहा है तारा सिंह फिर अपने गाने के साथ, फिर एक नई कहानी लेकर। खबरें हैं कि आने वाले गदर 2 में भी ये गाने रिक्रिएट होंगे, बस गानों के लिए अदर लिरिक्स चूज की जाएगी क्योंकि स्टोरी के हिसाब से ये चेंज होगी। जिस तरह तारा सिंह सभी के सामने शर्माते हुए गाना गाता है और फिर सब में जोश भर देता है, वो नजारा एक बार फिर वापस देखने को मिलने वाला है। हालांकि इस बार इस सॉन्ग को उदित नारायण गाएंगे ऐसी तो कोई खबर अभी तक आई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस गाने को एक बार फिर सभी की जुबान चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल फिल्म के फाइनल शूटिंग रैप अप होने वाली है और फिल्म अपने लास्ट शेड्यूल में शूट हो रही है। पॉसिबली मेकर्स इसके बाद फिल्म के गानों को शूट करें। फिलहाल खबरें हैं कि इसके साथ भी कुछ गाने रिक्रिएट होने वाले हैं। अब वो कौन से सॉन्ग्स हैं और कौन उन्हें गाने वाला है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सोशल मीडिया पर किसने की प्रमोशन शुरू, अमीषा सबसे आगे कैसे? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। कहते हैं कि एक बेहतरीन मार्केटिंग और प्रमोशन के साथ कोई फिल्म हिट हो सकती है। चाहे आप हाल ही में आई फिल्म ब्रह्मा अस्त्र को ही ले लीजिए, इस फिल्म को लेकर फैन से काफी मिलते जुलते रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो फिल्म के डायलॉग के बारे में हो या फिर स्टोरी के बारे में। लेकिन इस फिल्म को इतनी बेहतरीन तरह से मार्केट और प्रमोट किया गया है कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। जाहिर सी बात है कि किसी भी फिल्म को मार्केट या प्रमोट करना एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर यह काम बेहतरीन तरीके से किया जाए तो ये फिल्म को हिट बना सकता है। और लगता है यह बात समझ चुकी है हम सबकी अमीषा पटेल। जी हाँ, गदर फिल्म के साथ अमीषा पटेल ने जहाँ हम सबका दिल तो जीता है, वही लगता है इस समय के साथ इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को इतनी बारीकी से जान चुकी है कि वो अब अपनी फिल्म को सीक्वल की फुल मार्केटिंग कर रही है। जी हाँ, जहाँ गदर के सीक्वल में हमें एक बार फिर से उत्कर्ष शर्मा, सनी देओल और अमीषा पटेल बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं, वहीं इस फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट हो या फिर इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच में इंटरेस्ट, ये सब कुछ काफी ज्यादा समय से बरकरार है। और इस फिल्म को कहानी क्या होगी, क्या होने वाला है इन सब का किरदार, पहले की कहानियों से कितना ज्यादा होने वाला है गदर 2 का रिश्ता, इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम और देश भर के फैंस कर रहे हैं गदर 2 के रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार के आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। और आप
बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं अंकिता लेती हूँ आपसे इजाजत, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस को और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म मीडिया पर किसने की प्रमोशन शुरू, अमीषा सबसे आगे कैसे? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। कहते हैं कि एक बेहतरीन मार्केटिंग और प्रमोशन के साथ कोई भी फिल्म हिट हो सकती है। चाहे आप हाल ही में आई फिल्म ब्रह्मास्त्र को ही ले लीजिए। इस फिल्म को लेकर फैंस के काफी मिलते जुलते रिव्यूज थे, चाहे वो फिल्म के डायलॉग के बारे में हो या फिर स्टोरी के बारे में। लेकिन इस फिल्म को इतनी बेहतरीन तरह से मार्केट और प्रमोट किया गया था कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। जाहिर सी बात है कि किसी भी फिल्म को मार्केट या प्रमोट करना एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये काम बेहतरीन तरीके से किया जाए तो ये फिल्म को हिट बना सकता है। और लगता है ये बात समझ चुकी हैं अमीषा पटेल। जी हाँ, गदर फिल्म के साथ अमीषा पटेल ने जहाँ हम सबका दिल तो जीत ही लिया है, वहीं लगता है समय के साथ इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को वो इतनी बारीकी से जान चुकी हैं कि अब अपनी फिल्म के सीक्वल की पूरी मार्केटिंग कर रही हैं वो। जहाँ गदर के सीक्वल में हमें एक बार फिर से उत्कर्ष शर्मा, सनी देओल और अमीषा पटेल बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं, वहीं इस फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट हो या फिर फैंस के बीच एक्साइटमेंट, ये सब कुछ काफी ज्यादा समय से बरकरार है। और अमीषा पटेल अपने सोशल मीडिया के जरिए कुछ ना कुछ पोस्ट करती जा रही हैं या कुछ ना कुछ हिंट्स देती रहती हैं, जिसे फैंस को इस फिल्म के सीक्वल के लिए अभी से एक्साइटेड देखा जा सकता है। जहां अभी तक फिल्म की शूटिंग रैप अप नहीं हुई है, वहीं प्रमोशन का काम लगता है अमीषा पटेल ने पूरी तरह से ले लिया है अपने कंधों पर। अपने इंस्टाग्राम पर वही हमें कुछ ना कुछ नया देती जा रही हैं और यही वजह है कि फैंस के दिलों में गदर के सीक्वल को लेकर बेकरारी बढ़ती ही जा रही है। इस फिल्म की कहानी क्या होगी, क्या होने वाला है इन सबका किरदार, पहले की कहानी से कितना ज्यादा होने वाला है गदर 2 का रिश्ता, इन सभी सवालों के जवाबों के लिए हमें करना पड़ेगा फिल्म के रिलीज होने का इंतजार। लेकिन तब तक आप लोग फिल्मों के इंतजार से जरा आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको बता दें कि ये फिल्म काफी बड़े लेवल पर बनाई जा रही है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में काफी एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रहा है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। किस एरिया में ध्यान देना है जरूरी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बहुत समय से जब गदर फिल्म के सीक्वल की बात ही चल रही थी तो सभी के जहन में एक ही सवाल की, क्या गदर फिल्म का सीक्वल एक रीमेक होने वाला है या फिर इसमें कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखा जाएगा। जहां बात आती है पुरानी फिल्मों के सीक्वल की, चाहे वो कुली नंबर 1 हो या फिर जुड़वा 2, हमने देखा कि पुरानी फिल्मों के रीमेक से ही इसका सीक्वल बनाया जाता है और फैंस ऐसा देखना पसंद भी करते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक काफी बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ना केवल ये एक मुश्किल काम है बल्कि साथ ही में जब किसी पुरानी कहानी को बहुत समय बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है तो उसमें बहुत सारे कंटिन्यूटी एरर्स भी आने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं जब कहानी के बीच में कुछ ऐसे प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जो कुछ कहानी के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर दें। जाहिर सी बात है कि गदर फिल्म जो इतने ज्यादा समय पहले आई थी, जब अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है तो क्या उसमें पुरानी कहानी के हर उस पहलू को आगे बढ़ाया जा पाएगा उतने बेहतरीन तरीके से, जब सारे एक्ट्रेस भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं और कहानी का हर एक मोड़ बदल चुका है। तो इन्हीं कंटिन्यूटी एरर्स को फैंस हमेशा नोटिस करते हैं और ये फिल्म के नेगेटिव पार्ट्स में से माना जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब किसी फिल्म को बहुत समय से बनाया जा रहा होता है तो हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है और लगता है कि गदर फिल्म के मेकर्स भी कुछ ही तैयारी कर रहे हैं। अगर वो गदर 2 में इन सभी कंटिन्यूटी एरर्स को ठीक कर पाते हैं और कहानी को एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं तो गदर 2 के सुपर हिट होने को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा प्लॉट पॉइंट हो जो पहले की कहानी से मैच ना करता हुआ हो तो ये फैंस के लिए और देश भर के ऑडियंस के लिए होने वाला है काफी निराशा वाली बात। लेकिन हम रख रहे हैं गदर से बहुत ज्यादा उम्मीदें और कर रहे हैं इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार। लेकिन लगता है कि ये इंतजार थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि गदर फिल्म के मेकर्स हैं इस फिल्म को परफेक्शन बनाने की होड़ में हैं और इसके लिए हम तो हैं काफी एक्साइटेड। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आप आगे बढ़िए
और अपने सिनेमा की दुनिया से अगर जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। सनी देओल ने गदर 2 के बारे में कौन से बड़े खुलासे कर दिए? आखिर सनी को गदर 2 पर क्यों है बहुत बड़ा भरोसा? क्या बॉक्स ऑफिस पर सनी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी गदर 2? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, 22 साल बाद सनी देओल की 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर की अगली कड़ी नई फ्लेवर के साथ वापसी करने को तैयार है। फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें हैं और मेकर्स जल्द ही अनिल शर्मा डायरेक्टर फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस भी करने वाले हैं। सनी देओल का कहना है कि गदर जैसी बड़ी फिल्म का सीक्वल बनाना एक चुनौती जैसा है। रिपोर्ट की माने तो उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया कि शुरुआत करना एक मुश्किल काम था, लेकिन मुझे लगता है कि लोग जो चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिलेगा। सनी देओल के चुप के को स्टार दुलकर सलमान ने भी इस पर बात की और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एक नई जनरेशन के लिए बनी है, नई जनरेशन को इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। जब वो देखेंगे तो तब उन्हें पता चलेगा कि आखिर गदर के लिए इतना बवाल मचा क्यों था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सनी देओल भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सनी के मुताबिक उनकी पिछली कई फिल्मों के सीक्वल बनने की गारंटी है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए इन्हें नहीं बनाना चाहते क्योंकि इसका दूसरा पार्ट बनना चाहिए। उन्होंने कहा, हम पार्ट 2 करते टाइम चीजों को गड़बड़ कर देते हैं। अगर लेखन अच्छा हो तो हमें एक ही पार्ट को दो पार्टों में कर देना चाहिए, लेकिन गदर 2 पर उन्हें पूरा भरोसा है और ये बॉक्स ऑफिस पर फाड़ देगी और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वैसे गदर 2 का इंतजार तो सभी कर रहे हैं। इस बार कहानी मोड़ लाएगी। पिछली बार तारा अपनी शकीना को लेने पाकिस्तान गया था, तो इस बार अपने बेटे के प्यार के लिए पाकिस्तान जाएगा। स्टार कास्ट सेम है, इसीलिए मजा उतना ही होने वाला है और हर कोई चाहता था कि स्टार कास्ट मर्दी ना जाए, इसीलिए तारा बने हैं सनी, शकीना बनी है हमारी प्यारी अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा, जो कि अब बड़े हो चुके हैं, वो अपने प्यार की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा सनी की चीख बॉक्स ऑफिस पर क्या मचाएगी बवाल। ओशन को मिलेगा नया रूप, सकीना का बेटा लड़ेगा नई लड़ाई। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। भारत पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो कि काफी ज्यादा एक जैसे हैं। इसकी वजह है इन दोनों देशों में जो लोग रहते हैं वो एकदम एक जैसे हैं और एक ही जगह से आए हैं। चाहे इस बंटवारे ने हम सबको दुनिया के नक्शे पर तो बांट दिया हो, लेकिन असल जिंदगी में यहाँ लोगों को कोई बांट नहीं सकता। जहाँ हमने बंटवारे पर ना जाने कितनी फिल्में देखी हैं, ये बात हम सब जानते हैं कि ऐसी बहुत ही कम फिल्में हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच के प्यार को बड़े पर्दे पर दिखा पाए। ऐसा ही प्यार गदर फिल्म में दिखाया गया था। जी हाँ, अमीषा पटेल और सनी देओल की स्टोरी ने हम सबका दिल तो जीत ही लिया था और साथ ही में हमें भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बेहतरीन रिश्ते को दिखाया, जिसने हम सबके मन में एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ा दिया। अब बात आती है इस फिल्म के सीक्वल की। जी हाँ, जब से सनी देओल ने गदर 2 की अनाउंसमेंट की है तो सभी के दिलों में इस फिल्म की कहानी को लेकर काफी ज्यादा सवाल है। आपको बता दें कि गदर 2 में हम भारत पाकिस्तान के युद्ध को देखने वाले हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अमीषा और सनी देओल के बेटे का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म की कहानी में भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध से कैसे जगाने वाले हैं वो सारे इमोशंस जो गदर ने जगाए थे। ये बात हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने इस युद्ध में हार का सामना किया था, तो ये देखना बड़े पर्दे पर काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि कैसे ये युद्ध की कहानी के साथ हमें प्यार के वो एंगल दिखाएंगे जो कि फिर से इमोशन से हम सबको भर देगी। हम सबके लिए काफी दिलचस्प होने वाला है ये सफर। और क्या गदर 2 ऐसी कहानी साबित हो सकती है जो कि इस इमोशन को आगे बढ़ा पाएगी? इसके लिए हमें और आपको करना पड़ेगा इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार। लेकिन तब तक आप फिल्मों के इंतजार से जरा आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी भारी जोश और एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है।
भाई मैं भी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड तो हूँ, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। करेंगी साहिबा मना, कौन होगा खतरे में, तारा को कैसे मिलेगी खबर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ आइकॉनिक फिल्म गदर 2 के बारे में। अपने प्यार के पास पहुँचने के बाद जीते साहिबा के घर पहुँचेंगे उनके माँ बाप को मनाने, लेकिन क्योंकि साहिबा के माँ बाप को इसकी खबर पहले से हो जाएगी, इसीलिए वो उन्हें मना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। इस बात से अनजान जीते जॉनी के साथ उनके घर पहुँच जाएंगे। साहिबा को अपने माँ पापा का प्लान तब समझ में आ जाता है जब उनके पास पाकिस्तान आर्मी के जनरल का कॉल आता है घर आने के लिए, क्योंकि वह साहिबा के पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। साहिबा ये सुनकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है जीते को अपने घर से भगाने की, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँच जाए, लेकिन जीते कंफ्यूज हो जाते हैं और साहिबा के इशारे बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। जब तक साहिबा और जीते की बात चल रही होती है तब तक मनीष वाधवा यानी आर्मी मेजर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो एंट्री लेते ही पहले तो साहिबा के पेरेंट्स से मिलते हैं और फिर जीते के बारे में पूछते हैं, जहाँ साहिबा की मम्मी बोलती है कि अरे ये हमारे मेहमान हैं पंजाब से, साहिबा का हाथ मांगने आए हैं, क्यों बेटा। इस पर जीते नर्वस होकर मुस्कुराते हैं और कुछ बोलने चलते हैं, लेकिन उससे पहले ही मनीष बोलते हैं अरे 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 साहिबा बिटिया का रिश्ता आया है, वो भी पंजाब से, इनसे तो बातें करनी बनती हैं। ये कहकर वो जोर से जीते की पीठ पर थपकी मारकर उन्हें सोफे पर बिठा देते हैं। साहिबा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और बोल पड़ती है हमें नहीं करनी शादी, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। ये सुनकर जीते एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और बाकी सब भी साहिबा को देखने लगते हैं। उनकी इस बात पर मेजर साहिब बोलते हैं कि अरे बेटिया इतनी दूर से आए हैं, ज़रा बातचीत तो कर ले इनसे, जान तो ले इन्हें, और तुमने तो सीधा ही मना कर दिया। मेजर की बात सुनकर जीते बोलते हैं कि दरअसल अभी तक हमें बोलने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि आप लोगों को सही समझ रहे हैं, हम यहाँ साहिबा के साथ रिश्ते के लिए ही बात करने आए थे, लेकिन साहिबा की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होगा। ये सुनकर मेजर साहिब जीते का कंधा हल्का दबा कर बोलते हैं और क्या भाई, साहिबा उनकी माँ बाप की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा, हम होने ही नहीं देंगे। इस बात पर साहिबा के पापा उनसे बोलते हैं कि अरे बेटा यहाँ तो बातें होती रहेंगी, तुम ज़रा चाय नाश्ते का इंतज़ाम कराओ, अभी तो बहुत बातें करनी है। ये बोलने के बाद साहिबा के पापा उनकी माँ को इशारा करते हैं और वह साहिबा को अंदर किचन में ले जाती हैं। इन दोनों के जाते ही मेजर साहिब और साहिबा के पापा जीते और उनके साथ आए जॉनी लिवर को घर लेते हैं। वो दोनों इस बात से थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद जॉनी बहाने से अपने ऊपर शरबत गिरा लेते हैं और साहिबा के पापा से वॉशरूम के लिए पूछते हैं। जॉनी के वॉशरूम जाने पर मेजर साहिब जीते से पूछते हैं कि तो हमें पता चला है कि आप जनाब हमारी साहिबा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्यों। तो जीते मेजर साहब और अपने बीच में थोड़ी जगह बनाते हुए बोलते हैं कि जी हाँ मोहब्बत तो बेइंतहा है ही, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम उनकी और उनके माँ बाप के मर्जी के बिना कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएंगे। इस पर मेजर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ वो तो हम उठाने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। ये सुनकर जीते बोलते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। इधर जीते और मेजर का माहौल गर्म हो रहा है और उधर जॉनी वॉशरूम में जाकर कर रहे थे तारा सिंह को इन्फॉर्म पाकिस्तान की सिचुएशन का। वो उनको फोन करके बताते हैं कि कैसे जीते यहाँ पाकिस्तान में खतरे में है और उन दोनों को तारा सिंह की यहाँ जरूरत है। ये सब सुनकर तारा को गुस्सा आ जाता है, वो जॉनी को उनके आने तक सिचुएशन संभालने के लिए बोलते हैं। ये सब बताकर जैसे ही जॉनी वॉशरूम से निकलते हैं तो वहां वो साहिबा को खड़ा पाते हैं जो कि आंसू भरी निगाहों से उन्हें देख रही होती है। वो उनसे कहती हैं कि चाचा आप लोग कैसे भी यहाँ चले जाइए, यहाँ से चले जाइए, ये सब एक चाल है जीते को नुकसान पहुंचाने की। ये बोलकर वो किसी के आने की आहट सुनकर वहां से भाग जाती है। अब फिलहाल आगे क्या होगा
ये तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमें कमेंट से बताइए कि आपको क्या लगता है कि कहानी में आगे क्या हो सकता है। जी देओल ने गदर 2 के बारे में कौन से बड़े खुलासे कर दिए? आखिर सनी को गदर 2 पर क्यों है बहुत बड़ा भरोसा? क्या बॉक्स ऑफिस पर सनी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी गदर 2? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनिका जेआर। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। 222 साल बाद सनी देओल की 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर की अगली कड़ी नई फ्लेवर के साथ वापसी करने को तैयार है। फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें हैं और मेकर्स जल्द ही अनिल शर्मा डायरेक्टर फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस भी करने वाले हैं। सनी देओल का कहना है कि गदर जैसी बड़ी फिल्म का सीक्वल बनाना एक चुनौती जैसा है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया कि शुरुआत करना एक मुश्किल काम था, लेकिन मुझे लगता है कि लोग जो चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिलेगा। सनी देओल के चुप के को-स्टार दुलकर सलमान ने भी इस पर बात की और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एक नई जनरेशन के लिए बनी है। नई जनरेशन को इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है, जब वो देखेंगे तो तब उन्हें पता चलेगा कि आखिर गदर के लिए इतना बवाल मचा क्यों था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सनी देओल भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सनी के मुताबिक उनकी पिछली कई फिल्मों के सीक्वल बनने की गारंटी है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए इन्हें नहीं बनाना चाहते क्योंकि इसका दूसरा पार्ट बनना चाहिए। उन्होंने कहा, हम पार्ट 2 करते टाइम चीजों को गड़बड़ कर देते हैं। अगर लेखन अच्छा हो तो हमें एक ही पार्ट को दो पार्टों में कर देना चाहिए, लेकिन गदर 2 पर उन्हें पूरा भरोसा है और ये बॉक्स ऑफिस पर फाड़ देगी और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। स्टार कास्ट सेम है, इसीलिए मजा उतना ही होने वाला है और हर कोई चाहता था कि स्टार कास्ट मददी ना जाए, इसीलिए तारा बने हैं सनी, शकीना बनी है हमारी प्यारी अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा, जो कि अब बड़े हो चुके हैं, वो अपने प्यार की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा सनी की चीख बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा 20 साल पहले लोगों का गदर रिलीज पर सिनेमा का अनुभव। क्या बताया फिल्म के बारे में खुद सनी देओल ने? गदर 2 में गद्दार घोषित कर दिए जाएंगे तारा और सकीना। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, 20 साल पहले ना मल्टी स्क्रीन्स वाले सिनेमाघर होते थे और ना ही इतने शोज कि जितने लोग भी किसी फिल्म को पहले दिन ही देखना चाहें तो सबको टिकट मिल ही जाए। तो तय हुआ कि गदर एक प्रेम कथा का पहला शो सुबह 6 बजे से शुरू होगा। पूरे देश में उस दिन उत्सव का माहौल था। सनी देओल के दीवाने ढोल ताशे लेकर ये फिल्म देखने पहुंचे और साथ में ही लोगों को लगान भी देखनी थी। मेरे बड़े बताते हैं कि उन्होंने ये दोनों फिल्में एक ही दिन नई दिल्ली में देखी। पहले शीला थिएटर में लगान देखी, फिर वहां से भाग कर पहुंचे कनॉट प्लेस के प्लाजा सिनेमा घर, जहां उनकी सीटें बुक होने के बावजूद सिनेमा हॉल के भीतर घुसने तक की जगह नहीं बची थी। जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हॉल के भीतर पहुंचे तो वहां सिर्फ भीड़ दिख रही थी। जितने लोग सीटों पर बैठे थे उतनी ही पब्लिक सिनेमा घर के भीतर खड़े होकर सिनेमा देख रही थी। खड़े होकर फिल्म देखने वाले इन दर्शकों की गिनती तो नहीं हुई होगी, लेकिन तब भी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 जून 2001 को फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से कर रहे थे। दिल्ली में गर्मियां 20 साल पहले भी इतनी ही बेरहम हुआ करती थी। उस चिलचिलाती गर्मी में भी लोग फिल्म देखने आए, ये बहुत बड़ी बात है। फिल्म की कहानी का भी हल्का सा इशारा सनी ने दिया, लेकिन तब बायोपिक शब्द फैशन में नहीं था, नहीं तो सनी देओल इसका भी जिक्र जरूर करते बातचीत में। जी हाँ, गदर एक बायोपिक थी जो बूटा सिंह की जिंदगी पर आधारित थी, जिसकी चर्चा हम अपनी पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गदर में हुकूमत की जबरदस्त कामयाबी ने अनिल शर्मा के सिनेमा का रंग रूप सब बदल दिया। इसके बाद अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ लगातार ऐलाने जंग, फरिश्ते, तहलका और पुलिस वाला गुंडा जैसी फिल्में बनाई, लेकिन फरिश्ते के बाद अनिल शर्मा और धर्मेंद्र की जोड़ी का असर कम होने लगा था। अनिल शर्मा ने जितेंद्र के साथ फिल्म माँ बनाई और गोविंदा के साथ महाराजा।
दोस्तों आपको आगे बता दें कि इस तरह हमें मिला भारत का तारा सिंह, जो हर मजहब से प्यार करता था, लेकिन अगर उसके हिंदुस्तान को कोई बुरा भला कहे या उसके बीवी बच्चे को कोई उससे अलग करना चाहे तो वो इसका बदला लिए बिना पास नहीं आता है। और इसी देशभक्ति और परिवार के लिए जुनूनी प्यार को लेकर एक बार फिर अनिल गदर का सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसमें पहली फिल्म की आगे की कहानी को दिखाया जाएगा कि कैसे तारा सिंह और सकीना को अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो मुश्किलें जो उन्हें पाकिस्तान के आने के बाद झेलनी पड़ी। फिल्म में दोस्तों दिखाया जाएगा कि तारा को गद्दार घोषित किया गया क्योंकि वो पाकिस्तानी लड़की के लिए पाकिस्तान तक गया, पाकिस्तानियों की हर बात मानी, इसीलिए तारा और सकीना को पंजाब से निकाल दिया जाएगा। इन दोनों को निर्दोष साबित करेगा इनका बेटा जी। जी हाँ दोस्तों, आगे आपको बता दें कि कहानी एक दो सीन के बाद लीप लेगी, जिसमें तारा सकीना का बेटा बड़ा होता हुआ दिखाया जाएगा, जिसकी भूमिका एक बार फिर जीत यानी उत्कर्ष ही निभाएगा। यही उत्कर्ष अपने रील माँ बाप को कैसे वापस अपने गांव लाता है, कैसे उन्हें निर्दोष साबित करवाता है और इस बीच वो कैसे मिलता है अपनी लव ऑफ लाइफ से, ये सब देखने और जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आप लोग कितने उत्साहित हैं, यानी एक्साइटेड हैं एक बार फिर इस मूवी को देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार। कौन निभाएगा सनी देओल के ससुर का कैरेक्टर? कौन निभाएगा सनी देओल के दोस्त का कैरेक्टर? बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवी गदर, जो साल 2001 में रिलीज हुई थी, अब उसका सीक्वल आने जा रहा है, जिसकी वजह से ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ऑडियंस काफी लंबे टाइम बाद इसके सीक्वल का वेट जो कर रही थी। लेकिन इस आइकॉनिक मूवी के मेन दो कैरेक्टर्स को निभाने वाले एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो क्या उनके कैरेक्टर को गदर 2 में एंड कर दिया जाएगा या फिर रिप्लेस किया जाएगा, और कौन से है वो दो कैरेक्टर, चलिए जानते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है सनी देओल के ससुर का, यानी कि अगर हम बात करें अमरीश पुरी सर ने, अमरीश पुरी ने अशरफ अली के कैरेक्टर में जान डाल दी थी। आपको बता दे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि गदर 2 के अंदर उनका कैरेक्टर किसी और एक्टर से रिप्लेस होता है या नहीं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि गदर 2 के अंदर उनका कैरेक्टर किसी और एक्टर से रिप्लेस होता है या कहानी को कुछ इस तरीके से ट्विस्ट किया जाएगा कि उनके कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे परेश रावल सनी देओल के ससुर का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कई मूवीज में विलन का कैरेक्टर प्ले किया है, और आपको बता दें फ्रेंड्स, उनको विलन के तौर पर ऑडियंस ने काफी पसंद भी किया है, जैसे 1994 में आई अंदाज अपना अपना में। इसके अलावा 2010 में आई आक्रोश फिल्म के लिए उन्हें जी साइन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला, और ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस काफी पसंद भी आई थी। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इसलिए परेश रावल अमीषा पटेल के फादर का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, दूसरा कैरेक्टर है सनी देओल के दोस्त का, जो सनी देओल के साथ पाकिस्तान भी गया था अमीषा पटेल को लाने के लिए, जिनका कैरेक्टर प्ले किया था आपको बता दें फ्रेंड्स विवेक शोक ने, जिनकी भी मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से 2011 में। यानी कि दारा सिंह के ससुर और दोस्त दोनों मेन कैरेक्टर्स निभाने वाले एक्टर अब दुनिया में नहीं रहे, तो ये देखना होगा कि इन दोनों का कैरेक्टर कौन निभाता है और क्या वो एक्टर भी ऑडियंस का दिल जीत पाएगा अपनी एक्टिंग से, जैसे अमरीश पुरी सर और विवेक ने इनका जीता था। वेल दोस्तों, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन होंगे मेन दो कैरेक्टर्स। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें जल्दी से कमेंट्स में बताएं। पार्टीशन हुआ था या हो रहा है, क्या मतलब है इसका? किस मानसिकता पर फिल्म की कहानी को बनाया जा सकता है? क्यों नाराज है हर दूसरा शख्स पार्टीशन से? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा, स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में।
सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने बीते महीने ही अपने रिलीज के 20 साल पूरे किए हैं। फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा अपने करियर की इस सबसे बड़ी हिट को लेकर हमेशा उत्साहित रहे हैं। फिल्म गदर एक प्रेम कथा के रिलीज के 20 साल पूरे होने पर अनिल ने कहा था कि ये फिल्म भले बंटवारे के वक्त की हो, लेकिन इसमें हमने पाकिस्तान की इज्जत का भी पूरा ख्याल रखा। वसुधैव कुटुंबकम हमारी परंपरा रही है और पड़ोसी को नीचा दिखाना हमारे संस्कार में नहीं है। हम पाकिस्तान को फिल्म में कहीं नीचा नहीं दिखाना चाहते और पाकिस्तान के इस वकार को पर्दे पर पेश करने की हमारी कल्पना को अमरीश पुरी ने साकार कर दिया था। उसी तरह अब की बार भी फिल्म को अलग लेवल पर बनाया जाने वाला है। डॉक्टर मुल्ला आदम अली द्वारा लिखित किताब पार्टीशन से अगर गदर एक प्रेम कथा का पार्ट टू बना होगा तो शायद लोगों तक ये संदेश पहुंच पाए कि पार्टीशन हुआ ही नहीं था, या यूं कहें कि पार्टीशन हो रहा है। अगर आपने गौर किया हो तो पार्टीशन में हमेशा पाकिस्तान और भारत के बीच के संबंध को दिखाया जाता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि पार्टीशन तो हम खुद अपने देश में भी कर रहे हैं, कहीं धर्म को लेकर, कहीं काम तो कहीं जाति और पैसों को लेकर। जिस पर अगर गदर 2 की कहानी को लिखा और लोगों तक पहुंचाया जाए तो लोगों तक एक अच्छा मैसेज जा सकता है। तो ऐसे कुछ डॉक्टर आदम अली की किताब में जिक्र था जिससे हम गदर 2 की कहानी को सोच सकते हैं। कहानी कुछ यूं थी कि कुर्बान भाई का वास्तविक नाम भी कुर्बान भाई था। बावरी विध्वंस के बाद अल्पसंख्यकों के मन में अराजकता, सुनापात, खोखलापन घर कर गया। संजीव के शब्दों में कहे तो अविश्वास की ओर धकेले गए मनुष्य मानसिक खोखलापन, अराजकता एवं सुनेपन के अलावा हमेशा दिन रात आतंक के साए में दिन बिताने को मजबूर हुए। अपने और अपनी मिट्टी से परायपन जैसी अवस्था को पार्टीशन नामक कहानी के जरिए प्रस्तुत करते हैं। कुर्बान भाई विभाजन के वक्त अपना परिवार, सगे संबंधी, बपौती व संपत्ति सब खो गए, फिर भी वो अपने अतीत को इंसानियत और शराफत के बल पर सहता है। दूसरी तरफ ईमानदारी, शराफत और मानवता के बल पर सभी अमानवीय कार्यों, यंत्रणाओं और कष्टों की भूल भुलैया से उभर कर मनुष्य का ओहदा प्राप्त करने की कुर्बान भाई की क्षमता के कारण उसे धमकियां और फरियादें मिलने लगी। पॉलिटिक्स अपने लोगों के लिए नहीं है, समझे? चुपचाप सालन रोटी खाओ, अल्लाह का नाम लो। चैन से जीना है तो इन लफड़ों में मत पड़ो। यहाँ रहना हो तो पानी में रहकर मगरमच्छों से बैर करने से क्या फायदा। कुर्बान भाई ने अग्नि परीक्षा जीत कर जो अपनापन, आत्मविश्वास, सहजता अर्जित किए हैं, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से मिटा दिया गया है। तिल मिल टूटते कुर्बान भाई को झटका लगता है गोमिया से, जब वो उन्हें कुर्बान भाई के बजाय मियां कहता है। एक ही मिनट में वो कुर्बान भाई से मियां कैसे बन गए। कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरकर जो सम्मान, प्यार अर्जित किया है, रोज कीमत चुकाकर कस्बे में थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी सामाजिक सुरक्षा, थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ी सी सजगता उन्होंने अर्जित की थी, तिल मिल करके बना पहाड़ एक फूंक में उड़ गया। वो सोचते हैं कि अपनी मेहनत का खाते हैं, फिर भी ये लोग हमें अपना बोझ ही समझते हैं। वो सोचने लगता है कि विभाजन के वक्त पाकिस्तान चले जाते, लाख गुर्बत बर्दाश्त कर लेते, कम से कम ऐसी अच्छी बात तो नहीं सुननी पड़ती। धिक्कार है, लानत है ऐसी जिंदगी पर। या अल्लाह, हिंदुत्ववादियों को क्या पता कि कुर्बान भाई के अंदर क्या टूटता है। और बुद्धिजीवी कहते हैं पार्टीशन हुआ था नहीं हो रहा है, जारी है। तो यहाँ किसी धर्म या जाति विशेष को दुख पहुँचाने का इरादा नहीं है, बस कुर्बान भाई जैसे लोग ये कहना चाहते हैं कि जब कोई एक इंसान एक देश में रहता है, उसके साथ काम करता है, तो उसे वैसे सम्मान क्यों नहीं मिलता है जैसे बाकी लोगों को मिलता है। वो क्यों एक पराये देश से आया ही माना जाता है। कहानी में लोगों के बीच हो रहे मनोसामाजिक विभाजन का चित्र खींचा गया है। ये कहानी सांप्रदायिक मानसिकता को जड़ों से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि के साथ उखाड़ने की कोशिश करती है। हमारे माननीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का जो विघटन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, वो निरंतर जारी है। इसमें दंगा या हिंसा और बलात्कार जैसी चीजें नहीं है। आम लोगों के दैनंदिन जीवन, सोच और व्यवहार में जो जहर घुला हुआ है, ये उसकी कहानी है। उस जहर के कारण कुर्बान भाई, जो एक बेहतरीन इंसान है, एक दिन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो मुसलमान है। ऐसी सोच को गदर में दिखाया जा सकता है कि पहले जो पार्टीशन हुआ सो हुआ, लेकिन हर दूसरे इंसान के साथ उसके धर्म के आधार पर उसका बंटवारे निरंतर हो रहा है, अब चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जैसे गदर की कहानी में दिखाया कि तारा सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। उसकी लड़ाई सकीना के परिवार से थी, ना कि पाकिस्तान की आवाम से।
तो ऐसे में गदर 2 में इस कहानी को लेकर इस तरह जाया जा सकता है कि सकीना के साथ तारा के देश यानी हिंदुस्तान में परायापन जैसा व्यवहार हो रहा है क्योंकि वह एक मुसलमान है। तो इस कहानी को उस नजरिए से दिखाया जा सकता है कि जिस नजरिए की बात डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में की, ताली दो हाथ से बजती है। अगर जहर घोलने की गलती पाकिस्तान कर रहा है तो जाहिर से बात है उसमें हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है और ये कहानी बेशक गदर के तारा पर सूट करेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, गदर 2 की कहानी ऐसी हो सकती है? अब नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में रिलीज होगी मूवी, क्या सीक्वल से पहले थिएटर्स में लगेगी पुरानी गदर? क्यों फिल्म को लेकर सनी है इतने कॉन्फिडेंट? हेलो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जहां एक तरफ पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, वहीं फिल्म इंडस्ट्री नेक्स्ट ईयर अपनी कई बड़ी प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्साइटेड है। कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर बॉलीवुड के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हालांकि कुछ मूवीज के लिए तो फैंस भी काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, स्पेशली SRK के कमबैक का। जहां एक तरफ वो अपनी 3 बड़ी फिल्में लेकर आ रही हैं, वहीं सलमान खान भी टाइगर 3 में हमें नजर आने वाले हैं। साथ ही आदि पुरुष, एनिमल और दृश्यम 2 जैसी मच अवेटेड फिल्में भी नेक्स्ट ईयर थिएटर्स में आने को तैयार है। तो ऐसे में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि अगला साल सच में बॉलीवुड के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन साथ ही लिस्ट में कुछ ऐसे सीक्वल्स भी हैं जो काफी लंबे समय के बाद हमें थिएटर्स में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक है गदर 2। 2001 में आई गदर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब लगभग 2 दशकों के बाद मेकर्स फिर इसके अगले पार्ट को लेकर आ रहे हैं। हालांकि सनी देओल ऑलरेडी अपनी एक ओल्ड ब्लॉकबस्टर मूवी के सीक्वल को लेकर आ चुके हैं, घायल 2। 2016 में घायल 2 से सभी को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर बुरी तरह फेल ही हो गई। और अब सनी पाजी फिर एक बार अपनी एक पुरानी फिल्म के सीक्वल को लेकर आ रही हैं और इस बार वो इसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अभी हाल ही में उनकी आने वाली ट्रिप मूवी के एक प्रेस मीट में उन्होंने अपनी गदर 2 को लेकर कुछ बातें साझा करी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वो फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। बड़ी फिल्मों के सीक्वल ज्यादातर अपने एक्टर्स की वजह से चर्चा में आ जाते हैं, बट उसका चलना सिर्फ एक बेटर स्टोरी पर डिपेंड होता है और गदर 2 की स्टोरी को लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर हम फिल्मों को सेकंड पार्ट को लेकर मेस्ड अप कर देते हैं, बल्कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी है तो बेशक हमें उस पर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी फिल्म के लखनऊ स्केड्यूल को पूरा कर चुके हैं और नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में वो उसके अगले स्केड्यूल को स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक वो उसे रैप अप कर देंगे। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक इच्छा भी जताई है। उनका कहना था कि मैं चाहूंगा कि मेकर्स फर्स्ट मूवी को एक बार फिर रिलीज करें इसके सीक्वल के आने से पहले, जिससे नई जनरेशन को भी गदर एक प्रेम कथा को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। हालांकि अब मेकर्स दोबारा फिल्म को री-रिलीज करते हैं या नहीं, ये कहना अभी तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बेशक नई जनरेशन को भी गदर जैसे मास्टरपीस को एक बार फिर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। फिलहाल मूवी अगले साल की शुरुआत में रिलीज की जाएगी और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है ये साल के एंड तक पता चल ही जाएगा। फिलहाल आप भी हमें कमेंट में बताएं कि गदर मूवी दोबारा रिलीज होनी चाहिए या नहीं। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय। गदर होगी फिर से रिलीज, क्या नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में रिलीज होगी फिल्म? क्या सीक्वल से पहले थिएटर्स में लगेगी पुरानी गदर? क्यों फिल्म को लेकर सनी है इतने कॉन्फिडेंट? दोस्तों जहां एक तरफ पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, वहीं फिल्म इंडस्ट्री नेक्स्ट ईयर अपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्साइटेड है। कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर बॉलीवुड के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तेरी औकात क्या है? दोस्तों सनी देओल ने साल 2001 में गदर एक प्रेम कथा फिल्म से धमाल मचाया था। इस फिल्म में उनका साथ दिया था उनकी को एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। गदर फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा, वो अब इसका सीक्वल लेकर आने वाले हैं।
अब गदर 2 को लेकर एक नई डिटेल्स सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि अनिल शर्मा की गदर 2 नवंबर 2 तक फ्लोर पर आ जाएगी। खबरें ये भी है कि गदर 2 की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि गदर का सीक्वल जी स्टूडियो के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया जाएगा। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ उत्कर्ष भी वापसी करने जा रहे हैं। उत्कर्ष ने गदर में तारा सिंह और सकीना के बेटे का कैरेक्टर प्ले किया था। अनिल शर्मा गदर 2 के अलावा अपने का भी सीक्वल लेकर आ रहे हैं। अपने 2 में सनी देओल, धर्मेंद्र, बॉबी देओल और करण राजबीर नजर आएंगे। बता दें, करण राजबीर देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था फिल्म पल पल दिल के पास से। उसके बाद अपने 2 उनकी दूसरी फिल्म है जिसमें वो एक फाइटर के रोल में नजर आने वाले हैं। खबर है कि वो एक इंटरनेशनल फाइटर से लड़ते हुए भी दिखाई देंगे, जिसके लिए उन्होंने पूरी कमर कस ली है। काफ़ी समय से करण इसकी तैयारियां भी कर रहे थे। वेल, बात करें गदर की तो कहा जा रहा है कि गदर 2 में भी सनी देओल एक बार फिर से पाकिस्तान जाएंगे, जहां पिछली बार अपनी वाइफ को बचाने के लिए गए थे। इस बार वो पाकिस्तान जाएंगे अपने बेटे के लिए। हालांकि ऐसी क्या हालात होगी जिसकी वजह से सनी देओल एक बार फिर से पाकिस्तान जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। वेल, आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियो। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 का ट्रेलर आ चुका है। मुंबई की झमझम बारिश के बीच 26 जुलाई की शाम को ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा, सनी देओल, उत्कर्ष शर्मा और मनीष बाधवा वहां शरीक हुए। फिल्म की कास्टिंग, कहानी को लेकर बातचीत हुई। ट्रेलर एक सीन है जहां तारा सिंह हाथ में हथौड़ा लिए पीली जीप पर टूट पड़ता है, अंचर पिंचर बिखेर के रंग देता है। बीते कुछ समय से हथौड़े को मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा में कुछ ज्यादा ही जगह मिली है। KGF का एक पॉपुलर सीन है जहां रॉकी हथौड़े से अपने दुश्मनों को कूटता है। इसी सीन की एक झलक को पोस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। गदर 2 के हथौड़े वाले सीन का हालिया साउथ फिल्मों से कोई कनेक्शन है इसके पीछे की कहानी अनिल शर्मा ने बताई है। उन्होंने इवेंट के दौरान कहा, फिल्म में एक सीन है जहां सनी देओल हथौड़े के साथ एक्शन करते हैं। एक दिन हमारी 10-15 लोगों की टीम साथ में बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, जो बॉलीवुड और साउथ के बड़े बड़े हीरो हैं, वो ये सीन करते तो फिर कैसा लगता? उन्होंने कहा, वो लोग करते तो भी अच्छा लगता, लेकिन जैसे सनी सन लग रहे हैं ना, वैसा कोई नहीं लगता। लेकिन ये आइडिया मैंने साउथ की फिल्मों से ही लिया है, क्योंकि गदर एक रोमांस एक्शन ड्रामा फिल्म है, तो इसमें इंस्पिरेशन भी ना अलग अलग जेनर से ली गई है। जैसे हथौड़े वाली इंस्पिरेशन साउथ से ली गई है। अनिल शर्मा ने आगे फिल्म की नरेशन का किस्सा भी सुनाया। जब वो गदर 2 को लेकर सनी देओल से मिले, उन्होंने बताया, जब मैं नरेशन को लेकर उनसे मिला तब उन्होंने मुझसे पूछा, शर्मा जी, हम गदर 2 क्यों बना रहे हैं? गदर इतनी बड़ी हिट है, उसकी एक लेगेसी है। तब मैंने कहा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि गदर 2 बने, हम लोगों को तो उनकी सुननी ही चाहिए। अनिल बताते हैं कि ये सुनने के बाद सनी नरेशन के लिए तैयार हुए। उनके मुताबिक कहानी सुनने के बाद सनी की आंखों में धंधे से आंसू आ गए। इसी नोट से गदर 2 की शुरुआत हुई। सनी ने इसी इवेंट के दौरान कहा था कि वो गदर 2 करने से पहले डर रहे थे। गदर सनी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है, उससे जुड़ी एक मजबूत फैन फॉलोइंग है। सनी को चिंता थी कि सीक्वल में ओरिजिनल फिल्म की लेगेसी बर्बाद ना हो जाए, इसी वजह से वो झिझक रहे थे, थोड़ी से डर रहे थे। हालांकि अनिल शर्मा ने उन्हें कहानी सुनाई और वो फिल्म करने के लिए राजी भी हो गए। बता दें कि गदर 2 में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा के साथ इस बार सिमरत कौर और मनीष बाधवा भी होंगे। मनीष फिल्म में पाकिस्तानी आर्मी जनरल बने हैं। ऐसा नहीं मिलता जुलता रोल उन्होंने पठान में भी किया था। वहीं सिमरत फिल्म में उत्कर्ष की कैरेक्टर जीते की अपोजिट होंगी। फिलहाल दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। आना है बदलाव। क्या डायरेक्टर अनिल शर्मा और सनी देओल हटेंगे पीछे? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। अपनी आइकॉनिक फिल्म गदर का सीक्वल लेकर आ रहे हैं सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और डायरेक्टर अनिल शर्मा। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और ऑडियंस को इस फिल्म का जितना इंतजार है उतना ही हम सबको भी है।
पर पता नहीं कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगा कि अनिल शर्मा बाकी फिल्मों की रिलीज की वजह से अपनी फिल्म की रिलीज डेट बदल देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अनिल शर्मा 11 अगस्त 2023 को ही अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। अनिल और सनी ने तो यही कहा है कि इस फिल्म के साथ कोई और फिल्म आ रही है तो उसे आने दीजिए, पर हमारी रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑडियंस की फीलिंग्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि ये बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इस फिल्म के साथ रणबीर कपूर की एनिमल 11 अगस्त को ही रिलीज होने वाली है, ऐसा कहा गया था। पता नहीं अब एनिमल के मेकर्स पीछे हटेंगे या फिर नहीं। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा का ये कहना है कि गदर 2 एक इमोशन है और फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी शुरू है, तो इसी के बीच फिल्म की रिलीज डेट को किसी और फिल्म की वजह से बदल देना ये नहीं हो सकता। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अजय देवगन की फिल्म मैदान जो जून में रिलीज होने वाली है उसकी रिलीज डेट भी शायद बदल दी जा सकती है, तो इसीलिए ऐसी खबरें आ रही हैं, पर अनिल ने उस पर ब्रेक लगा दिया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, ये नारे हमें 11 अगस्त को ही सुनाई देंगे। अनिल शर्मा की हाँ में सनी देओल ने भी हाँ में हाँ मिला दी है। अब देखते हैं कि अनिल शर्मा का ये यकीन उनका कितना फायदा कराता है और क्या ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए आप बताइए कि आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और जाते जाते इस वाली वीडियो को पिछले साल अच्छी फिल्मों का अकाल पड़ा हुआ था तो वहीं ये साल बॉलीवुड के लिए अच्छा साबित हो रहा है। साल की शुरुआत धमाकेदार फिल्मों से हुई, हाल ही में 4 साल बाद पर्दे पर पठान बनकर उतरे शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया, तो वहीं अब दर्शकों को भाईजान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का इंतजार है। फिल्मों को लेकर खासा बस देखने को मिल रहा है, वहीं कुछ लोग सनी की गदर 2 का इंतजार भी जोरों शोरों से कर रहे हैं। ऐसे में दोनों फिल्मों के फैंस के लिए शानदार खबर सामने आ रही है। खबर है कि भाईजान की फिल्म में सनी देओल दिखाई देने वाले हैं। आइए समझाते हैं क्या है पूरा मामला। 21 अप्रैल को सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज होने वाली है। इसी मौके पर सनी देओल भी सिनेमा घरों में धमाका करेंगे। खबरों के अनुसार गदर 2 का टीजर सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ अटैच किया जाएगा। इस बात को लेकर फैंस में काफी खुशी है। इस बारे में जानकारी ऑलवेज बॉलीवुड ने अपने एक ट्वीट के जरिए दी है। इस ट्वीट में बताया गया है कि सलमान खान ने सनी देओल के साथ अपनी दोस्ती को निभाया है। गदर 2 का टीजर किसी का भाई किसी की जान के साथ अटैच किया जाएगा। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने आए दर्शकों को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। दर्शक बड़े पर्दे पर सनी देओल की फिल्म का टीजर देखने का लुत्फ उठा सकेंगे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था। लोगों को फिल्म की कहानी भी खूब पसंद आई थी। फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। फिल्म में दिखाई गई लव स्टोरी ने लोगों का दिल जीत लिया था। अब फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर लोग एक्साइटेड है। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होगी। अनिल शर्मा की निर्देशित गदर 2 2001 की गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। फिल्म में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी होंगे जिन्होंने पहले पार्ट में सनी और अमीषा के बेटे की भूमिका निभाई थी। तो आप गदर 2 का इंतजार कितनी बेसब्री से कर रहे हैं ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराती रहिए, आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि गदर 2 में उनका रोल बहुत ही अलग होने वाला है और उनका ये रोल और पठान का जनरल का रोल काफी अलग है। उनके किरदार को अशरफ अली के किरदार से कंपेयर भी किया गया, यानी कि अमरीश पुरी के किरदार से। पर इस पर मनीष ने यही कहा कि मैं जनरल का किरदार निभा रहा हूँ, मेरा किरदार अलग है और अमरीश जी ने जो किरदार निभाया वो अलग था। उनके किरदार को मैं रिप्लेस नहीं करने वाला। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को महाराष्ट्र और लखनऊ में क्रिएट किया गया है जिसमें लखनऊ में 50 दिन का स्केड्यूल था तो महाराष्ट्र में 25 दिन का। वैसे जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस शूट होने वाले हैं। इसके बारे में मनीष ने ये कहा कि गदर 2 के लिए 3 एक्शन डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके नाम है टीनू वर्मा, रवि वर्मा और श्याम कौशल। तीनों ने अलग अलग एक्शन सीक्वेंस शूट किए हैं। महाराष्ट्र में पाकिस्तान आर्मी का एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया है जिसके लिए 500 से 700 जूनियर आर्टिस्ट ने काम किया है। वैसे अपने लुक को लेकर मनीष ने यही कहा कि कोई प्रोस्थेटिक इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ मूछें रखी हैं, 2-3 अलग लुक्स होने वाले हैं। तो
मनीष अपने कैरेक्टर को लेकर काफी एक्साइटेड है, पठान में भी उनके काम को काफी ज्यादा सराहा गया है। तो देखते हैं कि गदर 2 में वो किस तरह का जादू में है। फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए गदर 2 द कथा कंटिन्यूज पर काम जोरों पर चल रहा है और दर्शक भी इसके रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। अमीषा पटेल एक बार फिर गदर 2 में सनी देओल के साथ नजर आएंगे। इसके साथ ही सीक्वल में कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे। गदर में अमरीश पुरी ने अहम भूमिका निभाई थी और चूंकि दिग्गज अभिनेता अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उनकी जगह पठान अभिनेता मनीष वाधवा खलनायक के रूप में लेंगे और इस फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म के स्टार कास्ट में जब से मनीष वाधवा का नाम आया है तब से लगातार उनकी तुलना अमरीश पुरी से की जा रही है। इससे एक्टर पर अपने किरदार के साथ न्याय करने का काफी ज्यादा दबाव बना। साथ ही अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर ने फिल्म और अपने किरदार से जुड़ी कुछ इनसाइड डिटेल्स शेयर की। मनीष वाधवा ने कहा, अमरीश जी ने अशरफ अली की भूमिका निभाई और वो सकीना के पिता बने। मेरी उनसे तुलना नहीं की जा सकती। फिल्म में मेरा किरदार एक पाकिस्तानी जनरल का है और फिल्म में 24 साल बाद की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म की नई कहानी में मेरा किरदार बिल्कुल अलग है। मनीष ने गदर 2 द कथा कंटिन्यूज के एक्शन सीक्वेंस के बारे में खास जानकारी भी साझा की। अभिनेता ने कहा कि तीन लोग टीनू वर्मा, श्याम कौशल और रवि वर्मा फिल्म के एक्शन दृश्यों पर काम कर रहे हैं। गदर 2 2001 में आई फिल्म गदर का सीक्वल है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी। गदर 2 मुख्य रूप से तारा सिंह के अपने बेटे चरणजीत के साथ अटूट बंधन पर केंद्रित होगी, जिसे उसके माता पिता प्यार से जीते कहते हैं। गदर 2 की कहानी 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष की कहानी का फोकस होगा, जो 20 साल आगे बढ़ेगा। तारा सिंह सरहद पार करेंगे लेकिन इस बार सकीना के लिए नहीं बल्कि उसके बिना और अपने बेटे के लिए करेंगे। ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपका इस बारे में क्या कहना है तो फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्ते। ने इस तरह 22 जगह को मार्क करके रख लिया है जिसे एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन कहा जाता है। LOC के बगल में पश्चिम लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का मिडिल हिस्सा, सिक्किम और ईस्ट अरुणाचल में 23 इलाके एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन में आते हैं। इन इलाकों में दोनों ही देश एक दूसरे की सेनाओं को अपने अपने दावे वाली सीमा पर पेट्रोलिंग करने की इजाजत देते रहे हैं। कभी कभी मेजर जनरल लेवल की भी मीटिंग्स वहाँ होती है। इसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर ही बातचीत की जाती है और यही कारण है कि जब जब सीमा पर कोई भी मुश्किलें आती हैं तो उसका सॉल्यूशन भी उसी मीटिंग में हो जाता है। दोनों ही देशों की आर्मी LAC पर पेट्रोलिंग के दौरान पहले से कुछ फिक्स उपायों का पालन करती है। उसके बाद और भी कई ऐसे टॉपिक्स पर डिसीजन करती है जिन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहा जाता है। और तो और अलग अलग दावों वाले 23 इलाकों में इनका खास तौर पर ध्यान भी रखा जाता है। 6 जून को हुई लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग के दौरान लद्दाख के इन तीनों इलाकों में तनाव कम करने पर रजामंदी हो गई थी। इसके तहत स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे दोनों सेनाओं के पीछे हटने से लेकर हर तरह के तनाव कम किए जाने थे और ये प्रोसेस काफी लंबा चलता है। इस प्रोसेस की प्रोग्रेस चेक करने के दौरान ही 15 जून की रात को लड़ाई हो जाती है और दोनों ओर से कई सैनिक मारे जाते हैं। इंडियन सेना पहाड़ियों पर लड़ने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड, अनुभवी और कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। सेना पूरी तरह तैयार थी और अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम भी थी और आज तक है भी। आर्मी हमेशा बुरे से बुरे सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी योजना बनाकर रखती है, जबकि उसकी उम्मीद उसके साथ हमेशा रहती है। हालांकि कुछ और भी फैक्टर है जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और जैसे अगर लड़ाई होती है तो इसके एक बड़े ऑपरेशन में बदलने के चांसेस रहेंगे और फिर ये सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगी, इसका दायरा बढ़ सकता है। तो ऐसे में हाई लेवल मीटिंग में ही ये फाइनल होगा कि देश के फायदे में सेना किस रेंज तक एक्शन ले सकती है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही होने वाला है फिल्म गदर 2 में।
तो आपको आज गदर का कैरेक्टर निभाया था और अब वो गदर 2 में पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर बनने वाले हैं। उन्होंने बताया कि गदर 2 में उनका रोल बहुत ही अलग होने वाला है और उनका ये रोल और पठान का जनरल का रोल काफी अलग है। उनके किरदार को अशरफ अली के किरदार से कंपेयर भी किया गया, यानी कि अमरीश पुरी के किरदार से। पर इस पर मनीष ने यही कहा कि मैं जनरल का किरदार निभा रहा हूँ, मेरा किरदार अलग है और अमरीश जी ने जो किरदार निभाया वो अलग था। उनके किरदार को मैं रिप्लेस नहीं करने वाला। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को महाराष्ट्र और लखनऊ में क्रिएट किया गया है, जिसमें लखनऊ में 50 दिन का स्केड्यूल था तो महाराष्ट्र में 25 दिन का। वैसे जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस शूट होने वाले हैं। इसके बारे में मनीष ने ये कहा कि गदर 2 के लिए 3 एक्शन डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके नाम हैं टीनू वर्मा, रवि वर्मा और श्याम कौशल। तीनों ने अलग अलग एक्शन सीक्वेंस शूट किए हैं। महाराष्ट्र में पाकिस्तान आर्मी का एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया है, जिसके लिए 500 से 700 जूनियर आर्टिस्ट ने काम किया है। वैसे अपने लुक को लेकर मनीष ने यही कहा कि कोई प्रोस्थेटिक इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ मूछें रखी हैं, 2-3 अलग लुक्स होने वाले हैं। तो मनीष अपने कैरेक्टर को लेकर काफी एक्साइटेड है और पठान में भी उनके काम को काफी ज्यादा सराहा गया है। बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है, पर वो उस टाइम उस कमरे से बाहर चला जाता है। तारा सिंह के जाने के थोड़ी देर के बाद रवि वॉशरूम से बाहर आता है और वो अपनी नकली दाढ़ी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो नकली दाढ़ी कैसे मिलती, क्योंकि अब तो वो तारा सिंह के हाथ में लग चुकी थी। अब वो ये सब ढूंढ ही रहा होता है कि पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो। इस आवाज को सुनने के बाद रवि डरते हुए पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि तारा सिंह यानी सनी देओल के हाथ में उसकी वही नकली दाढ़ी थी। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पर वो कुछ बोल पाता वैसे ही तारा सिंह उसको मारने लगता है। अब शोर की आवाज सुनने के बाद शकीना भी जल्दी से कमरे में आ जाती है तो वो इस लड़ाई को किसी तरीके से रोक देती है। लेकिन ये क्या, तारा सिंह तो रवि यानी अतुल कुलकर्णी की कोई बात ही सुनने को रेडी नहीं था। फिर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद रवि यानी अतुल कुलकर्णी अपनी बात बोलता है कि वो एक रॉ एजेंट है और वो अपना आईडी कार्ड भी दिखाता है, जिसके बाद वो अपने मिशन के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे इंडिया पे एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए उन्हें शकीना की मदद चाहिए ताकि वो पाकिस्तान जाके इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन ये क्या, ये बात सुनने के बाद तो तारा सिंह को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, हमें कुछ नहीं करना है इस मिशन के साथ। अब बहुत ज्यादा ट्राई करता है रवि कि तारा सिंह उसकी बात समझ जाए और उसकी बात मान ले, लेकिन तारा सिंह अपने परिवार को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहता। वो उसको घर से निकाल ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आती है, मैं जाऊंगी। ये आवाज होती है शकीना की। शकीना बोलती है कि मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगी और इंडिया के लिए ये काम करूंगी। अब शकीना के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद तारा सिंह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब क्या तारा सिंह बदल पाएगा शकीना का फैसला और कैसे करेगी शकीना इस मिशन को पूरा। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर का सीक्वल गदर 2 सिनेमाघरों में 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाला है। लोगों को एक बार फिर सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी जमकर एंटरटेन करने वाली है। लोग इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सनी देओल और अमीषा पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म गदर 2 से जुड़ा अपडेट शेयर किया है। दोस्तों, असल में फिल्म में अपने प्रीक्वल के हिट सॉन्ग उर्जा काले कावा और दूसरे सॉन्ग को एक अलग वर्जन को शामिल करने का प्लान मेकर्स ने बना लिया है। गदर एक प्रेम कथा में कुछ बेहतरीन धुनें भी थी जिन्हें लोग आज भी गुनगुनाते हैं। दोस्तों, रिलीज हुई इस फिल्म में उर्जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके जैसे लोकप्रिय ट्रैक थे। अब फिल्म के बारे में नवीनतम चर्चा ये है कि मूल फिल्मों के कुछ गानों को सीक्वल के लिए रिक्रिएट किया जाएगा। निर्माता फिल्म के लिए 2 प्रतिष्ठित गाने उर्जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके फिर से इन दोनों को बनाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही गदर 2 से वैलेंटाइन स्पेशल पर एक पोस्टर भी शेयर किया गया था। इस पोस्टर में सनी देओल और अमीषा पटेल एक दूसरे को प्यार भरे अंदाज से निहारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अमीषा पटेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म गदर 2 का मोशन पोस्टर शेयर किया है। दोस्तों, सनी देओल और अमीषा पटेल ने अपनी पोस्ट के साथ एक जैसा कैप्शन लिखा है। फिल्म गदर 2 के स्टार्स ने लिखा कि क्या आप तारा सिंह और सकीना की इस एपिक लव स्टोरी को एक बार फिर से देखने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सनी देओल की
फिल्म गदर 2 को लेकर शेयर की गई पोस्ट पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। सनी देओल की पोस्ट पर अधिकतर फैंस कह रहे हैं कि वो फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर सकते। फिल्म का पहला शेड्यूल पिछले साल दिसंबर में पालमपुर में शुरू हुआ था। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह की भूमिका निभाई है, जबकि हीरोइन अमीषा पटेल ने सकीना की भूमिका निभाई है और अब बड़े हो चुके उत्कर्ष ने उनके बेटे चरणजीत उर्फ जीते की भूमिका निभाई है। फिल्म का सीक्वल उत्तर भारत में 20 साल के अंतराल के बाद शुरू हुआ है, जहां से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि फिल्म गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन भी अनिल शर्मा ने ही किया था। फिल्म गदर में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का रोल निभाया था। तो दोस्तों, आप बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ना तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। 47 पार्टीशन में आई ब्लड ट्रेन्स। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। ब्रिटिशर के पार्टीशन के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही इंसानों का इंसानों को मारना शुरू हो गया था। पड़ोसियों ने पड़ोसियों को मार डाला, बचपन के दोस्त दुश्मन बन गए और इंसानों के इस धरती से इंसानियत का नामो निशान मिट गया। बंगलोज और मेंशंस को जला दिया गया और लूट लिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बच्चों को उनके भाई बहनों के सामने मार दिया गया। तो नए देशों के बीच पैसेंजर्स से भरी ट्रेन जब डेस्टिनेशन पर पहुंची तो लोगों से नहीं बल्कि लाशों से भरी होती थी। उन सबको रास्ते में ही भीड़ ने मार डाला। लाशों का सन्नाटा और उनकी बॉडीज से बह रहे खून से लथपथ ट्रेन को ब्लड ट्रेन का नाम दिया गया, क्योंकि उनके दरवाजे से न जाने कितने मासूम लोगों का खून बह रहा था। आज भी जब कोई पार्टीशन का सर्वाइवर अपना हॉरिफिक एक्सपीरियंस बताता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे सरदार जोगिंदर सिंह, एक सिख जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के एक गांव में रहने वाले एक टीनेजर थे। उन्होंने याद किया कि कैसे पार्टीशन के वक्त उनके गांव के लगभग सभी पुरुषों को हमलावरों ने मार डाला था। उन्होंने बताया था कि गांव के 25 में से 18 पुरुष एक हमले में मारे गए थे। और उन्होंने एक सिख महिला को भी याद किया जिसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक गुरुद्वारे के अंदर आत्महत्या कर ली थी। उस महिला का नाम वीरावाली था। वो बहुत सुंदर महिला थी, लेकिन दंगों के दौरान मुस्लिम उसका पीछा कर रहे थे। उनके गांव में एक गुरुद्वारा था, इसीलिए वो शरण लेने के लिए गुरुद्वारे के अंदर भाग गई। वहां पहले तो वीरावाली ने होली बुक्स के लिए अपना माथा टेका और फिर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली। सरदार जोगिंदर जी कहते हैं कि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे सब कुछ अचानक बदल गया था और सबको कुछ हो गया था, मानो इंसानियत मर गई हो, हर कोई शैतान बन गया हो। एक और कहानी नसीम फातिमा की, जो दिल्ली के करोलबाग में रहती थी। उनका एक खुशहाल बचपन वहीं बीता था, लेकिन पार्टीशन के दौरान उसने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ अपने परिवार के 7 सदस्यों को खो दिया। उनके माता पिता, दादी और 4 भाई बहनें मारे गए, जिससे पूरे परिवार में से वो अकेली थी जो जिंदा बची थी। लेकिन उनका परिवार भारत जाने वाले ट्रेन में चढ़ नहीं पाया क्योंकि उस समय बहुत भीड़ थी। लोग ट्रेन की छत पर बैठे थे और कम से कम जगह के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन पिता ने ट्रेन से बाहर आने का फैसला किया और वो लोग वहीं रुक गए। और अगले दिन उन्हें ये सुनने को मिला कि पूरी ट्रेन की सवारी मारी गई थी। गांव के उनके जो दोस्त उसी ट्रेन में थे वो सब मारे गए। कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें आज भी सुनते हैं तो सुनकर ही डर लगने लगता है, क्योंकि एक पल था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों में इतनी मिलती जुलती संस्कृति और भाईचारे की वजह से बहुत प्यार था। लेकिन जैसे ही पार्टीशन की बात हुई, दोनों देशों के लोगों के अंदर एक दरिंदा जग गया। अपने ही भाइयों, बहनों, माँ बाप और बच्चों को मारते हुए, काटते हुए और जलते हुए देखना एक बहुत बुरे सपने की तरह है। जिन लोगों ने इन्हीं यादों के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाया, उन्हें हमारा सलाम है। इन सर्वाइवर्स की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ईयर 1930 में लुडोविक 10 साल का था जब वो पहली बार लीला ब्रोनिका से मिला। वो एक पुलिस रईस की बेटी है जिसके पास कलेरी के पास एक संपत्ति है। लुडोविक लीला से मंत्रमुग्ध है। अपनी अचूक याददाश्त के शिकार वो 4 साल के दौरान उसके लौटने का इंतजार करेंगे। दोस्तों, वो पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से उसके प्यार में है। लीला अपने परिवार, अपने जर्मन चचेरे भाई हंस वॉन,
श्रीडे और उनके आश्रित ब्रूनो के साथ कलेरी लौटती है। लूडो लीला और उसके भाई टाट से दोस्ती करता है। हंस और ब्रूनो के साथ चीजें अधिक जटिल हैं, जो उसके साथ प्यार में भी हैं। लूडो को उनकी संपत्ति में आमंत्रित किया जाता है और उसे और उसके परिवार को जाना जाता है। 1930 के दशक में लीला ने अपना सारा ग्रीष्मकाल कलेरी में बिताया और उसका प्रेम संबंध बढ़ता गया। इस दौरान लूडो काउंट ब्रोकी के सचिव के रूप में काम करता है। 1939 में लूडो लीला में गर्मियां बिताने के लिए पोलैंड जाता है और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तब भी वो वही होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर एक फ्रांसीसी गांव के लड़के को एक कुलीन पुलिस लड़की से प्यार हो जाता है। नायक फ्रांसीसी प्रतिरोध में शामिल होता है, लेकिन अत्याचार का सबसे बड़ा प्रतिरोध उसके खोए हुए प्यार के प्रति उसकी वफादारी में निहित है। प्रेमियों को प्रतीक्षा करने और आशा करने में सक्षम होना चाहिए और सबसे बढ़कर याद रखने के लिए, और इसीलिए लड़का अपने प्रेमी की वापसी की प्रतीक्षा करता है, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने प्यारे फ्रांस की वापसी की प्रतीक्षा करता है जबकि नाजी झंडा खिड़कियों से लटका हुआ है। गर्व और अस्तित्व की एक विडंबनापूर्ण कहानी तब शुरू होती है जब खतरे से बचने की कोशिश में वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं और गोलियों के निरंतर आदान प्रदान, तकरार और अधिक अस्पष्ट स्थितियों के बीच ये एक अप्रत्याशित अंत के साथ मानव कनेक्शन की यात्रा में विकसित होता था। कि ये जो कहानी मैंने आपको बताई, हो सकता है कि गदर 2 में इस कहानी से ये इंस्पायर्ड हो। पाकिस्तान की लड़की का कश्मीरी रोमांस, साथ रहने से बढ़ेगा प्यार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश विश्वकर्मा, स्वागत करता हूँ आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में चल रही लड़ाई में अगर कोई स्टेट है जो फंसा हुआ है तो वो है कश्मीर। जहां कश्मीर को हम धरती पर स्वर्ग कहते हैं, वहीं ये जितना सुंदर है इसने उतनी ही ज्यादा लड़ाई और उतनी ही ज्यादा वॉर्स देखी है, और लगता है कि यही वजह है कि ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना करने के बाद भी कश्मीर अपनी सुंदरता नहीं खोता है। एक बार फिर से कश्मीर की ये सुंदरता हमें दिखने वाली है गदर फिल्म के सीक्वल गदर 2 में। जी हाँ, आपको बता दें कि जहाँ गदर फिल्म के साथ हमने देखा कि सकीना और तारा सिंह वापस भारत में घुस आते हैं और अपनी जिंदगी आगे जीते हैं, तो आपको बता दें कि गदर फिल्म के सीक्वल में उनकी इस जिंदगी का हमें एक नया पहलू देखने को मिलेगा। ये दोनों चले जाएंगे कश्मीर में रहने के लिए जहां उनका बेटा जीते अब बड़ा हो चुका है, और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा टेंस माहौल और एक युद्ध को देखकर घबरा जाता है। भारत और पाकिस्तान के इसी युद्ध में बदल जाती है जीत की किस्मत। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1962 के वॉर की। तो कहानी है जीत की, जो एक बार घर से निकलता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की जो पाकिस्तान से भटक कर भारत के बॉर्डर पर आ चुकी है, अधमरी सी पड़ी हुई है, वो उसे घर ले आता है और साथ ही उसकी पूरी देखभाल करता है। उसका साथ देते हैं तारा सिंह और सकीना, और कुछ समय के बाद जब लड़की होश संभालती है तो वो घर आ जाती है क्योंकि वो एक ऐसे देश में है जहां वो किसी को नहीं जानती। लेकिन धीरे धीरे जब वो ये देखती है कि तारा सिंह, सकीना और जीते तीनों ही उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं तो उसकी वो खुशी वापस आ जाती है, लेकिन अपने घर वालों की उस याद को वो भुला नहीं पाती, जिसकी वजह से जीते उसे वापस छोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। इसी बीच कश्मीर के प्यारे बैकग्राउंड और सकीना और तारा सिंह के प्यार से उसका मन बदल जाता है और वो रह जाती है भारत में ही और बन जाती है हमेशा हमेशा के लिए जीते की। तो दोस्तों ये होने वाली है गदर 2 की कहानी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस कहानी में आने वाले हैं और ट्विस्ट, और इन्हीं ट्विस्ट को देखने के लिए हम कर रहे हैं गदर 2 की रिलीज का इंतजार। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा। सर आपने फिल्मों में प्यार के लिए ना कहीं डायलॉग सुने होंगे जहाँ हीरो कहता है जब बात मोहब्बत की हो तो उसका रास्ता कोई सरहद या कोई दीवार नहीं रोक सकती, लेकिन इस शायरी को सच कर दिखाया है रियल लाइफ में एक प्रेमी जोड़े ने। जब पाकिस्तानी लड़की और भारत के लड़के को एक दूसरे से प्यार हो गया तो उनको हम सफर बनने के लिए ना कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्यार की खातिर प्रेमी जोड़ा सरहद के तनाव, राजनीति और कोरोना जैसी महामारी को भी पार कर गए। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद इस कपल ने ना 2 फरवरी 2021 को शादी कर ली और पति पत्नी बन गए। दरअसल ये लव स्टोरी भोपाल के तारिक और कराची की रहने वाली हीरा की है, जिनकी प्रेम कहानी आज से 8 वर्ष पहले एक हुक्का लाउंज में शुरू हुई थी। हीरा 2013 में भोपाल में रहने वाली अपनी नानी के घर आई हुई थी।
जहां वो अपनी सहेलियों और कुछ दोस्तों के साथ ब्रिटेन मार्केट के एक हुक्का लाउंज में पार्टी करने के लिए गई थी। इसी दौरान एक कॉमन फ्रेंड ने तारिक और कराची की रहने वाली हीरा की मुलाकात करवाई थी। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से फोन पर खूब बातें करने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे ये दोस्ती जो थी वो कब प्यार में बदल गई दोनों को भी पता नहीं चला। जब साल 2017 में हीरा वापस अपने देश और घर पाकिस्तान जाने लगी तो तारिक की आंखें जो थी वो नम हो गई। वो एक दूसरे की जुदाई ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तारिक ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि हीरा ने इस दौरान ना मुझसे ये कहा था कि अपनी अम्मी से तो एक बार मिलवा दो। जब दोनों आपस में मिली ना तो दोनों भावुक थी, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी अम्मी को ना हीरा के बारे में बता कर रखा था। अम्मी ने हीरा से कहा कि बेटी तुम मेरे घर की बहू बनोगी क्या? हीरा ने कहा मैं आपकी बहू बनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो अपने देश पाकिस्तान चली गई। करीब एक साल बाद 2018 में हीरा फिर भारत आई। इस दौरान दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। इसके बाद दोनों के घर वालों ने तारिक और हीरा की शादी के बारे में बातचीत की और विवाह के लिए तारीख निकालने लगे। लेकिन इसी दौरान 14 फरवरी 2019 को ना पुलवामा में अटैक हो गया, जिससे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जो था वो और भी बढ़ गया। फिर कुछ दिन बाद ही भारत ने 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे माहौल जो था वो ज्यादा गर्म हो गया। इसी बीच हीरा के पाकिस्तान जाने की बातें होने लगी, लेकिन क्या करे, देश भी लौटना था और निकाह भी करना था। इसी तरह 2 मार्च 2019 को 24 घंटे में तारिक और हीरा का निकाह हो गया, जिसके बाद हीरा अपनी नानी के घर रहने लगी। दोनों के परिजनों ने कहा कि अब शादी की बाकी की रस्में ना बाद में करेंगे। लेकिन इसी दौरान देश में CAA NRC वाला कानून जो था वो पास हो गया, जिसको लेकर पूरे देश में ना विरोध प्रदर्शन होने लगा, जिसके चलते घर वालों ने शादी की रस्मों को और आगे बढ़ा दिया। जैसे तैसे CAA NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमा ही था कि कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन कर दिया। इस तरह हमारी शादी ना फिर रुक गई। निकाह के करीब 2 साल तक ना हम लोगों को तो शादी करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर कहीं जाकर 2 फरवरी 2021 को शादी करके ना एक दूसरे के पति पत्नी बन पाए। हीरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसे टीवी न्यूज और सोशल मीडिया में दिखाया जाता है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। वो लोग दोनों देशों के रिश्तों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जितनी तलखी दिखाते हैं ना उतनी असल में है ही नहीं। भारत के नागरिक काफी अच्छे हैं और पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए ना इतनी नफरत नहीं है। मेरी अम्मी भोपाल की ही रहने वाली है, मेरा बचपन भी यहीं पर गुजरा है, इसलिए मुझे भोपाल जो है वो बहुत पसंद है। तारिक ने एक किस्सा शेयर करते हुए कहा कि जब वो सिटी स्पेसिफिक वीजा के लिए भोपाल SP ऑफिस पहुँचे थे, यहाँ एक अफसर ने मुझसे पूछा कि तुमने आखिर पाकिस्तानी लड़की से ही क्यों शादी करी? तो मैंने मजाकिया अंदाज में उनको जवाब दिया कि जब पाकिस्तानी सानिया मिर्जा को हमारे देश से लेकर जा सकता है, तो क्या हम उनके देश की बेटी को नहीं लेकर आ सकते हैं? मैंने सानिया का बदला पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि इस कहानी का छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिल सकता है गदर 2 में। कहा यह जा रहा है कि इस बार भी सनी देओल अपने प्यार के लिए ना करेंगे देश की सरहदों को पार। और आपको बता दें कि इस बार ना हैंडपंप नहीं बल्कि भारी भरकम पहिया उठाते नजर आएंगे तारा सिंह। हाल ही में इस फिल्म से सनी देओल का ना फर्स्ट लुक सामने आया है। जी स्टूडियोज ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन फिल्मों और सीरीज की एक झलक दिखाई गई है जो इस साल यानी 2023 में रिलीज होगी। बता दें कि इस छोटे से 50 सेकंड वाले वीडियो में सनी देओल का तारा सिंह वाला किरदार भी नजर आ रहा है। इस लुक में तारा सिंह ना भारी भरकम पहिया उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सना फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। इसी कारण सोशल मीडिया पर #गदर2 ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर ने कहा, सनी पाजी वाह क्या लग रहे हो आप। एक ने कहा, मैं और गदर 2 का इंतजार नहीं कर सकता। गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी देश के विभाजन पर बेस्ड थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सनी देओल की गदर 2 फिल्म स्वतंत्रता दिवस के आसपास यानी कि अगस्त 2023 में रिलीज हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप गदर 2 का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। अक्सर आपने फिल्मों में प्यार के लिए ना कहीं डायलॉग सुने होंगे, जहाँ हीरो कहता है जब बात मोहब्बत की हो तो उसका रास्ता कोई सरहद या कोई दीवार नहीं रोक सकती। लेकिन इस शायरी को सच कर दिखाया है रियल लाइफ में एक प्रेमी जोड़े ने। जब पाकिस्तानी लड़की और भारत के लड़के को एक दूसरे से प्यार हो गया तो उनको हम सफर बनने के लिए ना कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद इस कपल ने ना 2 फरवरी 2021 को
शादी कर ली और पति पत्नी बन गए। दरअसल ये लास्ट स्टोरी भोपाल के तारिक और कराची की रहने वाली हीरा की है, जिनकी प्रेम कहानी आज से 8 वर्ष पहले एक हुक्का लाउंज में शुरू हुई थी। हीरा 2013 में भोपाल में रहने वाली अपनी नानी के घर आई हुई थी, जहां वो अपनी सहेलियों और कुछ दोस्तों के साथ बिटन मार्केट के एक हुक्का लाउंज में पार्टी करने के लिए गई थी। इसी दौरान एक कॉमन फ्रेंड ने तारिक और कराची की रहने वाली हीरा की मुलाकात करवाई थी। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से फोन पर खूब बातें करने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे ये दोस्ती जो थी वो कब प्यार में बदल गई दोनों को भी पता नहीं चला। जब साल 2017 में हीरा वापस अपने देश और घर पाकिस्तान जाने लगी तो तारिक की आंखें जो थी वो नम हो गई। वो एक दूसरे की जुदाई ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तारिक ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि हीरा ने इस दौरान मुझसे ये कहा था कि अपनी अम्मी से तो एक बार मिलवा दो। जब दोनों आपस में मिली ना तो दोनों भावुक थी, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी अम्मी को ना हीरा के बारे में बता कर रखा था। अम्मी ने हीरा से कहा कि बेटी तुम मेरे घर की बहू बनोगी क्या? हीरा ने कहा मैं आपकी बहू बनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो अपने देश पाकिस्तान चली गई। करीब एक साल बाद 2018 में हीरा फिर भारत आई। इस दौरान दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। इसके बाद दोनों के घर वालों ने तारिक और हीरा की शादी के बारे में बातचीत की और विवाह के लिए तारीख निकालने लगे। लेकिन इसी दौरान 14 फरवरी 2019 को ना पुलवामा में अटैक हो गया, जिससे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जो था वो और भी बढ़ गया। फिर कुछ दिन बाद ही भारत ने 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे माहौल जो था वो ज्यादा गर्म हो गया। इसी बीच हीरा के पाकिस्तान जाने की बातें होने लगी, लेकिन क्या करे, देश भी लौटना था और निकाह भी करना था। इसी तरह 2 मार्च 2019 को 24 घंटे में तारिक और हीरा का निकाह हो गया, जिसके बाद हीरा अपनी नानी के घर रहने लगी। दोनों के परिजनों ने कहा कि अब शादी की बाकी की रस्में ना बाद में करेंगे। लेकिन इसी दौरान देश में CAA NRC वाला कानून जो था वो पास हो गया, जिसको लेकर पूरे देश में ना विरोध प्रदर्शन होने लगा, जिसके चलते घर वालों ने शादी की रस्मों को और आगे बढ़ा दिया। जैसे तैसे CAA NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमा ही था कि कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन कर दिया। इस तरह हमारी शादी ना फिर रुक गई। निकाह के करीब 2 साल तक ना हम लोगों को तो शादी करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर कहीं जाकर 2 फरवरी 2021 को शादी करके ना एक दूसरे के पति पत्नी बन पाए। हीरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसे टीवी न्यूज और सोशल मीडिया में दिखाया जाता है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। वो लोग दोनों देशों के रिश्तों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जितनी तलखी दिखाते हैं ना उतनी असल में है ही नहीं। भारत के नागरिक काफी अच्छे हैं और पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए ना इतनी नफरत नहीं है। मेरी अम्मी भोपाल की ही रहने वाली है, मेरा बचपन भी यहीं पर गुजरा है, इसलिए मुझे भोपाल जो है वो बहुत पसंद है। तारिक ने एक किस्सा शेयर करते हुए कहा कि जब वो सिटी स्पेसिफिक वीजा के लिए भोपाल SP ऑफिस पहुंचे थे, यहाँ एक अफसर ने मुझसे पूछा कि तुमने आखिर पाकिस्तानी लड़की से ही क्यों शादी करी। तो मैंने मजाकिया अंदाज में उनको जवाब दिया कि जब पाकिस्तानी सानिया मिर्जा को हमारे देश से लेकर जा सकता है, तो क्या हम उनके देश की बेटी को नहीं लेकर आ सकते हैं? मैंने सानिया का बदला पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि इस कहानी का छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिल सकता है गदर 2 में। कहा यह जा रहा है कि इस बार भी सनी देओल अपने प्यार के लिए ना करेंगे देश की सरहदों को पार। और आपको बता दें कि इस बार ना हैंडपंप नहीं बल्कि भारी भरकम पहिया उठाते नजर आएंगे तारा सिंह। हाल ही में इस फिल्म से सनी देओल का ना फर्स्ट लुक सामने आया है। जी स्टूडियोज ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन फिल्मों और सीरीज की एक झलक दिखाई गई है जो इस साल यानी 2023 में रिलीज होगी। बता दें कि इस छोटे से 50 सेकंड वाले वीडियो में सनी देओल का तारा सिंह वाला किरदार भी नजर आ रहा है। इस लुक में तारा सिंह ना भारी भरकम पहिया उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सना फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। इसी कारण सोशल मीडिया पर #गदर2 ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर ने कहा, सनी बाजी वाह क्या लग रहे हो आप। एक ने कहा, मैं और गदर 2 का इंतजार नहीं कर सकता। गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी देश के विभाजन पर बेस्ड थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सनी देओल की गदर 2 फिल्म स्वतंत्रता दिवस के आसपास यानी कि अगस्त 2023 में रिलीज हो सकती है। पाकिस्तान ने हमेशा से कश्मीर तो चाहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि उनको बांग्लादेश चाहिए था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए वॉर के बाद बांग्लादेश को आजादी मिल गई और इस वॉर में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 16 दिसंबर वो दिन है जो भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी हमेशा के लिए याद रहेगा।
इस दिन जहां भारत और बांग्लादेश गर्व से सर उठाते हैं, वहीं पाकिस्तान शर्मिंदगी से सर झुकाता है। भारत ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ वॉर जीता था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नाम के एक अलग देश का जन्म हुआ और उस समय उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। और उसी दिन पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और इस वॉर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरी ऐसी वॉर बताई गई है जिसमें सेना ने सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान ने युद्ध अपने गुरूर में आकर किया था क्योंकि उसको दिखाना था कि उसका एयरफोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है और उसके लिए उसने इंडिया के 11 एयरबेस पर हमला भी करवाया था, जिसमें इंडिया के तीनों सेना ने एक साथ लड़ाई की थी और इंडिया ने पश्चिम में पाकिस्तान को सेना की हरकतों का तुरंत जवाब दिया और लगभग 15,000 किलोमीटर पाकिस्तान के क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था। इंडिया और पाकिस्तान का ये युद्ध केवल 13 दिनों तक चला और इस युद्ध को इतिहास के सबसे छोटे युद्धों में से माना जाता है, लेकिन इसका परिणाम पाकिस्तान को आज भी खुद शर्मिंदा होने की याद दिलाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वॉर 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक हुई, जिसमें इंडिया के सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाकर उसके सारे सैनिकों को कब्जे में कर लिया और बांग्लादेश के 7.5 करोड़ लोगों को आजादी दिलाई। ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली आबादी के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे नरसंहार को खत्म करने के लिए इस युद्ध में इंडिया के 3,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे और पाकिस्तान के करीब 8,000 सैनिकों की मौत हो गई थी। भारत ये युद्ध खुद के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाने के लिए लड़ रहा था। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष बंगाली आबादी, खासकर हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले पर हमले करा रहा था। जब पाकिस्तान के अत्याचार बढ़े, एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया, तो ठीक उसी समय उन्होंने सेना के लीडर जनरल सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान के खिलाफ हमला अभियान शुरू करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद इंडिया ने अपने पड़ोसी के खिलाफ पूरा जोर लगाकर ये युद्ध लड़ा। बांग्लादेश ने सारे कंट्री से इस मामले पर मदद करने की अपील की, लेकिन इंडिया के पास वक्त कम था और उसके बाद हड़बड़ाहट में एक कदम उठाने की जरूरत आ पड़ी, जिसमें 6 दिसंबर को संसद में ये अनाउंसमेंट करवा दी गई थी कि भारत ने बांग्लादेश सरकार को अपनी मान्यता दे दी थी, जिसके बाद भारत ने युद्ध लड़ा और उसे जीत भी मिली। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कंटेंट हमें देखने को मिल सकता है फिल्म गदर 2 में। बांग्लादेश की हरी भरी पहाड़ियों में बसे लाल मुनिराहाट के छोटे से गांव में जीवन सरल लेकिन कठिन है। वहां उपजाऊ भूमि पर चावल और अन्य फसलें उगाकर गांव वाले जीविकोपार्जन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वो एक मजबूत समुदाय है और हर कोई एक दूसरे के लिए भाई की नजर से देखता है। लेकिन जब 1971 के युद्ध ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संघर्ष के बीच ये खुशहाल गांव फंस गया और ग्रामीणों को अपने जीवन के लिए वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपना घर, खेत और संपत्ति सहित सब कुछ पीछे छोड़ दिया और खुद आगे जिंदगी की तलाश में निकल गए। युद्ध काफी मुश्किल रहा और कई हजारों लोगों की जान चली गई। ग्रामीणों को बहुत नुकसान हुआ, उनमें से कई ने लड़ाई में अपने लोगों को खो दिया। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई। वो जानते हैं कि एक दिन वो अपने घर लौटेंगे और उनके गांव का पुनर्निर्माण होगा। अंत में युद्ध समाप्त हो गया और गांव वाले अपने घरों को लौट आए। ग्रामीणों को बहुत नुकसान हुआ, उनमें से कई ने लड़ाई में अपनों को खो दिया और जब वो युद्ध के बाद अपने गांव लौटे तो उन्हें मलबे और राख के अलावा कुछ नहीं मिला। उनके घर और खेत नष्ट हो गए थे और जो कुछ उन्होंने बनाया था वो सब नष्ट हो गया। इस त्रासदी के बावजूद लाल मुनिराहाट के लोगों ने अपना हौसला बनाए रखने और आगे बढ़ने का संकल्प किया। लेकिन 1971 के युद्ध के दौरान अपने प्रियजनों द्वारा किए गए बलिदान को ग्रामीण कभी नहीं भूले। 1971 था और दुनिया उथल पुथल में थी। भारत का विभाजन अभी अभी हुआ था, देश को दो अलग अलग राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। सरहद पर तनाव था और हवा उन लोगों की चीखों से भरी हुई थी जिन्होंने सब कुछ खो दिया। लेकिन तमाम हंगामों के बीच एक प्रेम कहानी भी चल रही थी। रानिया नाम की एक युवती पाकिस्तान के लाहौर में रहती थी। वे एक हिंदू थी और उनके परिवार को विभाजन के दौरान भारत से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
अपनी मातृभूमि को खोने से उसका दिल भारी था, लेकिन उसने एक स्थानीय अस्पताल में नर्स के रूप में अपने काम को शुरू किया। एक दिन घायलों का इलाज करते हुए उसकी मुलाकात हसन नाम के एक युवक से हुई। वे एक मुसलमान थे और बंटवारे के दौरान उन्होंने अपने परिवार को भी खो दिया। उनके अलग अलग धर्मों के बावजूद वे दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। वे अब प्यार में बढ़ गए, लेकिन ये ऐसा प्यार था जिसे समाज ने प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उस समय हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच काफी तनाव था। और एक दिन रानिया के परिवार को हसन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया और उन्होंने रानिया को उससे मिलने से मना कर दिया। इसीलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और अपने लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए हसन की तरफ निकल गया। उन दोनों ने मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और अपना जीवन बनाने के लिए कड़ी मेहनत भी की। ऐसी ही दोस्तों कोई कहानी हमें गदर टू में देखने को मिल सकती है। इसी गाड़ी को लेके इसी में आएंगे। ठीक है, ठीक है पंडित।